गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जस्ट चेक, आई फील आई शुड बी ऑडिबल टू यू। प्लीज शो योर थम्स अप इन द चैट बॉक्स। Okay, so that's nice that I am audible to you. So let's have another beautiful morning, right? And wish you all very happy days in August to come. Today is the first Wednesday of the August, and I expect to have more and more better days for you in the coming months. And let's hope for the best that we are away and out of this pandemic issues, right? So again, I am here to provide rather share some thoughts on another topic, and I expect that it will be again useful stuff for all of us here. So today I want all the participants present here to actively participate through the chat box, because whenever we will be doing some activities, at that time, your inputs are required for making the session more interactive and positive, right? So also, if those people who are in need to write or jot down some particular mindfulness techniques, please keep a paper and pen with you, as we shall be going through some very interesting games and activities during this session. And maybe you would like to write down something, as it's all about what we are and how we have to improve ourselves, right? So officially, once again, I welcome you all on behalf of the whole SRKI family, and on behalf of Maitri Setu, the psychological and counseling cell of SRKI. A very warm welcome to all the participants. We appreciate your cooperation, love, and support for all these online workshops. If you like our workshops, our activities, kindly subscribe the channel. Kindly pass it on to those who feel to join and listen to this kind of workshops. So before we begin to the and switch on to the topic, I want to show you something, and I would like to have a quick reply on what do you think when I'm showing you this particular thing. इसको देख के आपको आप क्या समझते हैं, आपको क्या याद आता है, या आप ये क्या दर्शाता है? यू कैन शेयर योर कमेंट्स इन टू द चैट बॉक्स, वट एवर कम्स टू योर माइंड। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये क्या है? टाइम। ओके, सो मेनी पीपल आर सेइंग इट्स इंडिकेटिंग टाइम। अलार्म क्लॉक। ओके, समबडी सेइंग टाइम इज मनी। फाइन, टाइम गोज ऑन। ओके, एनीथिंग एल्स अबाउट टाइम, समथिंग दैट इज क्लिकिंग यू? क्लॉक, अलार्म क्लॉक, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग टाइम। ओके, अगेन अलार्म क्लॉक इज द आंसर फॉर मेनी। टू वेक अप अर्ली, यस, टू वेक अप अर्ली, यस, अगेन टाइम, समथिंग मोर एनीबडी वुड लाइक टू से? टाइम एंड अलार्म, वी हैव टू वैल्यू द टाइम। ओके, दैट्स कमिंग फ्रॉम समबडी, वी हैव टू वैल्यू द टाइम, राइट? दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेक अप अर्ली। घड़ी देख के याद आ जाता है, जल्दी उठो, प्लीज वेक अप, नो मोर स्लीप, या सो योर स्लीप इज डिस्टर्ब्ड, आई नीड टू चेंज बैटरीज। ओके, सो दैट्स अनदर थिंग, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनी वन, वेरी फिलोसॉफिकल थॉट। सो यू सी, जस्ट वेन वी सी दिस पर्टिक्युलर सिंगल सिंबॉल, राइट, इट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। समबडी सेइंग टाइम नेवर वॉन्ट्स वेट्स फॉर एनी वन। टी टाइम इफ इट इज इवनिंग। ओके, सो दिस इंडिकेट्स सो मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द टाइम। हर एक इंसान का ये था सिंपल इंस्ट्रूमेंट, हम बचपन से देख रहे हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है, राइट? बट फिर भी हम सबका परसेप्शन उसको देखने का, और जब हम उसे देखते हैं तो उसे उसको देख के हमें जो याद आता है वो सबका परसेप्शन अलग है,
सब अलग अलग तरीके से उस अलार्म क्लॉक को, उस मशीन को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू परसीव. ओके, व्हाट इज योर परसेप्शन टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स. सो नो, दिस दिस वाज जस्ट टू हैव एन इंडिकेशन कि अगर हम एक छोटा सा अलार्म क्लॉक देखते हैं और उसको देख के भी आप देखिए हम सबका परसेप्शन कितना अलग आया, कितने अलग अलग जवाब आए हैं और अभी भी आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि एक ही चीज के बारे में हर एक इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है, जिससे वो उसे देखता है, उसे उसकी समझ जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है. अब ये जो परसेप्शन है वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारे माइंडसेट से, हमारा जो एटीट्यूड होता है उसमें से ये परसेप्शन आता है, और दैट इज हाउ वी परसीव थिंग्स विच आर इन अवर सराउंडिंग. सो दैट इज वॉट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे. वी टॉक अबाउट अवर माइंड सेट्स, वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड्स, वी टॉक अबाउट द स्किल्स, द बिलीफ सिस्टम. ओके, कैसे हम अपने माइंड सेट को और बेहतर बनाएं जिसकी वजह से हम सही दिशा में अपनी लाइफ को लेके जा सकते हैं, जो हमें अचीव करना है वो चीजें हम अच्छे से अचीव कर पाए. सो वी आर लुकिंग फॉर चेंज इन माइंड सेट. वी वॉन्ट दैट सम पर्टिक्यूलर सॉर्ट ऑफ माइंड सेट नीड्स टू बी वर्कड आउट. सो ये माइंड सेट को जब हमें वर्क करना है तो कैसे करेंगे, तो वही हमारा आज का विषय है. सो आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की. ये विषय जो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हम हमारे परसेप्शन को, हमारे माइंड सेट को, हमारे दृष्टिकोण को किस तरह से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, सो दैट वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ फॉर नॉट ओनली फॉर अवर सेल्व बट ऑल्सो फॉर पीपल अराउंड अस. सो दैट इज द मेजर टॉपिक टूडे. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लुकिंग इन टू द माइंड सेट्स, राइट. सो अभी जब हम कह रहे हैं कि हम आज पॉजिटिव साइकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे, तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है? चलिए इसका, इसके वर्ड का, ये जो दो शब्द हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि ये चीजें क्या है. ठीक है, तो व्हेन आई से पॉजिटिव साइकोलॉजी, व्हाट डज दिस वर्ड, लेट्स से फर्स्ट साइकोलॉजी बहुत सुना सुना शब्द है, हर कोई इस्तेमाल करता है साइकोलॉजी. इसकी साइकोलॉजी ऐसी है, इसकी मेंटालिटी ऐसी है, इसका एटीट्यूड ऐसा है, ये सब चीजों को हम साइकोलॉजी में रख देते हैं. तो ये साइकोलॉजी होता क्या है? दिस साइकोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम वन वर्ड नोन एज साइकी. इट्स अ वेरी ओल्ड एंशियंट वर्ड. और जैसे जैसे हम साइकोलॉजी के विषय को समझते गए हैं, इसमें भी इसकी व्याख्या, इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन बदलते रहा है. पर हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो जानना है पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है. तो उसकी उसके हिसाब से ये साइकी क्या हुआ? तो साइकी शब्द का मतलब रहता है समथिंग अबाउट योर स्पिरिट, अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर माइंड. सो अ साइंस, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट द प्रोसेसेस, द हैपनिंग्स, द फंक्शनिंग, द वर्किंग ऑफ योर माइंड, नो, ऑफ योर स्पिरिट, राइट. दैट इज गोइंग टू बी नोन एज साइकोलॉजी. इट इज अ सब्जेक्ट विद डील्स विद बिहेवियर एंड माइंड ऑफ अ ह्यूमन बींग. सो दैट इज द सिंपल वे ऑफ डिफाइनिंग साइकोलॉजी कि हमारा मन कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर मन का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हम कैसे काम करते हैं, तो वो समझने के लिए ये जो विषय है उसमें काम होता है. तो ये हो गया साइकोलॉजी कमिंग फ्रॉम साइकी. सो साइकी मीन्स माइंड, स्पिरिट. ओके, एंड द साइंस डीलिंग विथ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज साइकोलॉजी, राइट. नाउ पॉजिटिव, ये शब्द भी बहुत सुना सुना है, हर कोई एक दूसरे को ये पैंडेमिक में तो बोलते ही रहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पर सिखाते नहीं है कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करना है. तो आज समझेंगे इसको भी थोड़ा डिटेल में कि ये क्या होता है पॉजिटिव थिंकिंग. तो जब हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंड सेट, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, या ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक माइंड सेट, ऑप्टिमिज्म बढ़ाइए, पैसिमिस्टिक
पेसिमिस्टिक मत रहिए, नेगेटिव मत रहिए. तो इन चीजों का क्या मतलब होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, ठीक है, जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब रहता है कि वी आर सपोज टू डेवलप और हैव अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हम पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा अटेंशन देते हैं. वी ट्राई टू हैव एन एटीट्यूड टू लुक इन टू द गुड पार्ट. हम अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं, अच्छी चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं. द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो जब भी आप कोई सिचुएशन में होते हैं तो आपका एटीट्यूड रहेगा कि आप उस सिचुएशन की ब्राइटर और पॉजिटिव या अच्छी साइड्स को देखें, नहीं के उसकी नेगेटिव साइड्स को देखें, नहीं के फेलियर्स को देखें. जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं तो वो स्ट्रगलफुल सिचुएशन है, उसमें आप अच्छी साइड्स को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, या उस अच्छी साइड को ढूंढ के अपना पॉजिटिव माइंडसेट सेट करते हैं और फिर काम करते हैं तो आप कहेंगे कि मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है. सो बेसिकली इट्स एन एटीट्यूड. पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड वेर इन वी हैव और वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द बिलीफ और होप दैट द आउटकम ऑफ सम स्पेसिफिक सिचुएशन इज गोइंग टू बी फेवरेबल, डिजायरेबल और पॉजिटिव. ओके, इट्स अ टिपिकल नो वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ नो सिचुएशन इज डेवलप्ड इन दैट वी ऑलवेज ट्राई टू सी द ब्राइटेस्ट, द मोस्ट लाइटेस्ट पार्ट. वी अवॉइड लुकिंग टू द डार्कर साइड. सो दैट इज वॉट इज पॉजिटिविटी और दैट इज वॉट इज ऑप्टिमिज्म. नाउ ऑप्टिमिज्म का दूसरा मीनिंग ये होता है कि ऑप्टिमिज्म माने मेकिंग योर ऑल द पॉजिटिव गुड एस्पेक्ट्स यूजिंग इट एट एन ऑप्टिमल लेवल. ऑप्टिमिज्म शब्द आता है ऑप्टिमम से. ऑप्टिमम का मतलब होता है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करके उस चीज का इस्तेमाल करें. तो अगर एक सिचुएशन बुरी सिचुएशन है, उसमें आपके पास दो कोई अच्छे पॉइंट्स है, तो उसका आप मैक्सिमम इस्तेमाल करके उस बुरी सिचुएशन को डील करेंगे तो उसका आउटकम हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके उसको परसीव करने के लिए, उसके उसके ऊपर काम करने के लिए अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं ना हकारात्मक. ठीक है, हकारात्मक सोच बनाई है अपनी. तो ये हकारात्मक सोच क्या है? ये हकारात्मक सोच माने पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड. सो जब हम कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ये दो अच्छे वाले, दो बड़े वाले शब्दों का मिश्रण है, दो बड़े कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण है, पॉजिटिविटी प्लस साइकोलॉजी. वी वॉन्ट टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, वी वॉन्ट टू हैव पॉजिटिविटी एंड माइंडसेट. सो जब हम पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की. तो आज हमें डिस्कस करना है कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, क्यों डेवलप करना चाहिए. किसी भी चीज को करेंगे तो जानना जरूरी है कि उसके कोई फायदे हैं या नहीं. तो उसके ऊपर हम पोस्ट करेंगे कि हम उसका डिस्कशन करें कि ये कितना फायदेमंद है. पर जब हम माइंड की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअली ये माइंड क्या होता है. हमें तो उसमें ही दिक्कत होती है समझने में. तो फिर माइंड को पॉजिटिव करना तो थोड़ा दूर की बात हो जाती है. तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगी, पर सिंपल करके बताने की कोशिश करती हूँ कि ये माइंड क्या होता है. ठीक है, तो अगर आप समझिए कि आपका बॉडी एक सेलफोन है, एक मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मोबाइल फोन के अंदर मोबाइल का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आपका माइंड जो है वो आपका सिम कार्ड है. ठीक है, तो हमारा शरीर जो होता है, जैसे बताया जाता है, फाइव एलिमेंट्स का बना है, पंच तत्वों का बना हुआ है, या फिर इन जनरल जो बॉडी एनर्जी होती है वो मैटर की बनी होती है. सो हमारा स्थूल शरीर, हमारा बॉडी, वो मैटर का बना हुआ है. ठीक है, पर जब हम हमारे मेंटल बॉडी की बात करते हैं, माने कि वो जो सिम कार्ड मन या माइंड की बात कर रहे हैं, तो ये जो माइंड या मन जो होता है, ठीक है, वो जो है वो पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू साइंस. सो मॉडर्न साइंस के हिसाब से द सीट और द प्लेस वेयर माइंड एग्जिस्ट इज ब्रेन. ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल बॉडी, एट दैट टाइम मेंटल बॉडी हमारा कैपेसिटी
कैसे बनता है? तो वो वाइब्रेशन से बनता है। जो एनर्जी हमारा सिम कार्ड माने हमारा मन होता है, वो किस एनर्जी को कैसे यूज करता है? तो उसकी जो एनर्जी है वो कोई स्थूल मैटर की नहीं होती है, वो वाइब्रेशंस की होती है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशंस जो चलते हैं हमारे मन के, वो हमारा मेंटल बॉडी हुआ। ठीक है, और ये दो चीज तो तभी चलेगी जब आपके पास मोबाइल की बैटरी हुई। अगर आपके पास मोबाइल की बैटरी नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन वंस अगेन, राइट? सो व्हाट इज दैट बैटरी? दैट बैटरी इज योर वाइटल फोर्स, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। तो प्राण शक्ति जो होता है, वो प्राण शक्ति वो बैटरी है जिसकी वजह से सिम कार्ड और फिर मोबाइल यूजफुल बनता है। तो हमारा शरीर बेसिकली तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है। एक है आपका फिजिकल बॉडी माने स्थूल शरीर, ठीक है, और दूसरा है आपका मेंटल बॉडी जिसको हम माइंड बोलते हैं या जिसको हम मन बोलते हैं, राइट, जो आपका सिम कार्ड हुआ। और तीसरा होता है आपका ये पर्टिकुलर बैटरी जिसको हम बोल रहे हैं हमारा कॉजल बॉडी, या जिसको हम बोलेंगे कारण शरीर माने के स्पिरिट या आपकी आत्मा या आपका सोल। ठीक है, तो आत्मा या सोल जो है, अगर वो नहीं है, या प्राण है, अगर आप आत्मा में नहीं मानते हैं तो प्राण तो चलता ही है, तो ये जो प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं वाइटल फोर्स की, वो जो है वो आपका कारण शरीर हुआ, वो आपका कॉजल शरीर हुआ। ठीक है, और उसके ऊपर जो आता है वो आता है मन, जो आपका मेंटल बॉडी हुआ या जो जिसको हम यूजुअली माइंड बोलते हैं, राइट। और इसका दूसरा भी नाम है, जैसे उसको हम बोलेंगे सटल बॉडी, तो सटल बॉडी हुआ और फिर हो गया आपका फिजिकल बॉडी। सो तीन हमारे अंग रहेंगे, तीन कंपोनेंट से हम बनते हैं। एक आपका फिजिकल बॉडी, एक आपका माइंड या मेंटल बॉडी, और तीसरा होता है आपका सोल, स्पिरिट या आत्मन। ये तीन चीजों से हमारा शरीर बनता है। अब एज पर मॉडर्न साइंस देर इज नो प्रूफ ऑफ एनीथिंग लाइक सोल या स्पिरिट, वो अभी भी एक डिस्कशन और कंट्रोवर्सी का विषय है। हमारे जो स्पिरिचुअल साइंस और हमारे जो पौराणिक कथा है, या जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें आत्मा और स्पिरिट्स के बारे में काफी जानकारी पाई गई है, पर हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा आज का विषय रहेगा मेंटल बॉडी पे। हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि ये जो माइंड होता है, जो हमारा सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड क्या चीज है, वो कैसे चलता है। ठीक है, तो ये जो माइंड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल है, वो दिखता नहीं है। उसका एज पर मॉडर्न साइंस ऐसा कहा गया है कि उसकी सीट, उसकी जगह, उसका लोकेशन ब्रेन है, क्योंकि ये ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से काम करता है। तो इसलिए मॉडर्न साइंस इतना मानता है कि माइंड इज समवेयर लोकेटेड और इट फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन विथ योर ब्रेन, राइट। और कई कई सारे इसके भी थियोरीज हैं, कई सारे इसके भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में अलग तरीके से इसको समझाया गया है, पर हमारे लिए इतना जानना इनफ है कि हमारा सिम कार्ड होता है हमारा मेंटल बॉडी, और ये मेंटल बॉडी ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस मेंटल बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस पार्ट और एक होता है सबकॉन्शियस पार्ट। जो कॉन्शियस पार्ट है वो क्या होता है? कॉन्शियस पार्ट माने आपको सब कुछ अवेयर है, सब चीजों के बारे में आप समझ रहे हैं, जो चीजें आपको दिख रही हैं, आप सुन रहे हैं, उसको अवेयरनेस कॉन्शियसली अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्शियस मन हुआ, चेतन मन। जबकि अर्ध चेतन मन या सबकॉन्शियस, उसको कई लोग प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो सबकॉन्शियस मन होता है वो हमारी गहराइयों का मन होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो भी काफी सारी चीजें परसीव करता है। पूरे दिन में आप जब उठते हैं तब से लेके सो जाते हैं या सोते हैं, तभी भी हमारा सबकॉन्शियस मन वो एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस मन कभी भी सोता नहीं है, जो सो जाता है वो ब्रेन सोता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्शियसली हम सो जाते हैं। सो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो भी टू मच एक्सटेंट सो जाता है, पर जब हम बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो कभी भी सोता नहीं है, वो हमेशा चलते रहता है। एंड इट इज द बिगेस्ट डेटा बैंक ऑफ योर बॉडी, सबसे बड़ा जो आपके बॉडी के अंदर, जैसे कंप्यूटर में रहता है ना आपका डेटा,
ठीक है, तो वैसे ही जो डेटा कलेक्ट करता है वो ये सबकॉन्शियस माइंड है। इसमें जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपके सबकॉन्शियस लेवल में पहुंच गई हैं अंतर मन में, वो चीजें आपकी अवेयरनेस थ्रू ही गई हो। कई चीजें अननोटिस्ड भी आपके अंतर मन में चली जाती हैं, ऐसा होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कब अंदर चली गई हैं। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने अवेयरनेस के टाइम पे उसको देखा ही नहीं है, नोटिस ही नहीं किया है, फिर भी वो आपके शरीर के अंदर, आपके मन में, अंतर अंतर के अंदर एकदम चली गई हैं। और वो कब बाहर आती हैं? जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो कई बार वो अननोइंगली वो डायरेक्शन देती हैं और उसके हिसाब से आप काम करते हैं, आपका बिहेवियर वो डिजाइन करती है, और आपको पता भी नहीं होता है कि ये चीजें आ रही हैं सबकॉन्शियस से। तो आज हमें इसी के बारे में काम करना है। हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस मन के ऊपर अच्छे से काम करें और उसका परसेप्शन पॉजिटिव बनाएं, उसको ऑप्टिमाइज करें, सो दैट जितना हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे हम हमारी स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, और उसकी वजह से फिर आगे जाके हमारा लाइफ और भी ज्यादा पॉजिटिव और हैप्पी और कंफर्टेबल बनेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द थ्री पार्ट्स, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी। सो कॉजल बॉडी इज योर सोल और स्पिरिट, योर मेंटल बॉडी इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, एंड फिजिकल बॉडी इज ऑल योर ऑर्गन्स, लाइफ प्रोसेसेस, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी। ऐसे बन के हमारा शरीर बनता है। अब ये जो मन है उसको लेके ही हमें आज काम करना है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, पर हम जो नहीं सोचते हैं वो है मन। आत्मा की जर्नी अलग रहेगी, क्योंकि उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, जो एक अलग विषय है। तो आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरे का पूरा ऑन द वाइब्रेशंस एंड द एनर्जी रिलेटेड टू अवर मेंटल बॉडी। ठीक है, हमारे माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फाइन, सो अब जब हम इतना समझ चुके हैं कि हमें नो हमारा मन कैसे काम करता है, तो आगे देखते हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं। तो दूसरी जो चीज होती है, जो हमारे हमारे व्यवहार, हमारे वर्तन और हमारे बिहेवियर में झलकती है, वो है हमने क्या बिलीफ और क्या वैल्यू सिस्टम बनाई है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है। तो कई लोगों को ये भी एक नो प्रश्न रहता है कि एटीट्यूड माने क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, हम कैसे कहते हैं कि एटीट्यूड माने क्या। तो जब भी हम कोई भी चीज या कोई भी काम करते हैं तो वो काफी सारे मन के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिनका इंटरप्रिटेशन होता है, विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, और वो बाहर से जो दिखता है माने हमारी वाणी वर्तन से जो दिखता है उसे हम बिहेवियर कहते हैं। अब ये जो बिहेवियर है उसके पीछे हमारे मन के अंदर बैठी हुई काफी सारी बिलीफ सिस्टम होती है, काफी सारे वैल्यूज होते हैं, और हमारा एटीट्यूड इन वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम का पूरा नो डिजाइंड होता है। तो ये एटीट्यूड क्या होता है? तो एटीट्यूड माने इट इज द वे अ पर्सन एक्सप्रेसेस और अप्लाइज देयर बिलीफ्स एंड वैल्यूज एंड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स एंड बिहेवियर। सो दैट इज व्हाट इज एटीट्यूड। और एटीट्यूड किन किन चीजों से बना होता है? तो एक होता है आपका रीजनिंग, आप ब्रेन से क्या सोच रहे हैं, आपका लॉजिक क्या चल रहा है, आप कितना रैशनल बिलीफ रखते हैं, आपने आपने कैसे इंटरप्रेट किया किसी चीज को अपने थॉट से, अपने बिलीफ से, तो वो एक रीजनिंग फैक्टर से काम करता है। दूसरा, एटीट्यूड में क्या जुड़ता है? आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स जुड़ते हैं कि आप किस चीज को किस इमोशन से जोड़ रहे हैं, तो वो एक जुड़ता है। इन दोनों कंपोनेंट को मिला के जब आप कोई एटीट्यूड बनाते हैं तो वो झलकता कैसे है? आपके बिहेवियर से झलकता है। तो वो बिहेवियर कौन से फॉर्म में होगा? आपके वाणी के फॉर्म में होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, एंड देन योर एक्शन। आप जो काम कर रहे हैं वो काम करने के प्रोसेस में आपका एटीट्यूड झलकता है, आपका बिहेवियर झलकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिलीफ और ये वैल्यू, तो ये क्या होता है? तो बिलीफ माने आपकी खुद की फिलोसॉफी, मैं तो भाई इसमें ही मानती हूँ, मेरे मानने से तो ऐसा ही होता है, यही चीजें मेरे लिए सच हैं। तो जो हम मॉरल्स की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, माने वो चीजें जो जिसको आप कहते हैं कि ये मूल्यवान है मेरे लिए, तो वो वैल्यू बनता है, वो आपका मेजर है, वर्थ ऑफ इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वैल्यू माने क्या? वैल्यू माने आपकी खुद की फिलोसॉफी। इट इज अ मेजर ऑफ द वर्थ
or importance a person attaches to something. Okay, so and that is how योर बिलीफ सिस्टम इज ऑल्सो यू नो मेड. तो आपका ये जो बिलीफ सिस्टम होता है और आपका ये जो नो वैल्यू सिस्टम होता है वो कैसे बनता है? जब भी आप बचपन से अब तक बड़े होते हैं तो क्या होता है कि आपने काफी सारी चीजें अपनी सेंस ऑर्गन्स से महसूस की हुई होती हैं. कुछ आपने देखा, कुछ सुना, कुछ आपको बताया गया आपके बड़ों से, आपके पेरेंट्स से, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स से. फिर आप स्कूल जाना शुरू करते हैं तो आपके स्कूल का वातावरण, आपकी सोसाइटी, आपके एटमोसफियर, इन सबको हम हमारी पांच सेंस ऑर्गन से ग्रहण करते हैं, कॉन्शियसली एज वेल एज अनकॉन्शियसली. और ये जो हमारा मन है वो मन में ही ये सारी चीजें चलती हैं. मन का दो किस्म से काम होता है. जो ये कॉन्शियस मन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव पार्ट और नॉन कॉग्निटिव पार्ट. तो ये जो कॉग्निटिव पार्ट है उसमें ये सारी चीजें चलती हैं. रीजनिंग करेंगे, वही वहीं पे ही थॉट्स पैदा होते हैं. तो थिंकिंग चलता है आपका, फिर आपका जजमेंट चलता है, आपका लॉजिक वहां चलता है. ठीक है, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस वहां पे एनालाइज होंगे. और नॉन कॉग्निटिव में क्या होगा? आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन, आपकी इंस्टिंक्ट. कई बार आप बोलते हैं ना कि मेरा दिमाग ये कह रहा है पर मेरा मन नहीं मान रहा है, तो ये क्या हुआ? तो वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ये कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव मन के बीच में चल रहा है कि नहीं, मेरा मन, मेरी फीलिंग ऐसा कह रही है. क्योंकि इमोशन से आप कुछ सोच रहे हैं और कुछ चीज आप लॉजिक से सोच रहे हैं. तो ये जो दो चीजें चल रही हैं वो हमारे माइंड में चलती हैं. तो जब आप ये पांच सेंस ऑर्गन से कुछ लेते हैं अपने अंदर, तो वो जो चीजें ले रहे हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो चीजें हमारे माइंड में, हमारे मन के अंदर प्रोसेस होती हैं. और जब ये प्रोसेस होती हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से उसको एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे लाके छोड़ देते हैं. तो ये जो इंटरप्रिटेशन आपने बनाया वो आपका बिलीफ हुआ या आपका वैल्यू हुआ. तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका वैल्यू सिस्टम चेंज होते रहता है, और ये वैल्यूज और ये बिलीफ आगे जाके आपका एटीट्यूड बनती है. तो जब आप किसी सिचुएशन में रहते हैं तो वो सिचुएशन को कैसे देखेंगे वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर से डिसाइड होगा. तो अगर आपने पहले से कभी, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कोई बुरा एक्सीडेंट हो गया तो वो फिर वो साइकिल चलाते ही नहीं है, उसको डर लगता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बुरा था. तो वो बुरे एक्सपीरियंस को मान बैठे हैं कि अब मैं कभी भी साइकिल नहीं चला पाऊंगा. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कोशिश भी नहीं करते हैं साइकिल चलाने की, क्योंकि वो मन में बैठ गया है कि मैं साइकिल चलाऊंगा तो मेरे साथ एक्सीडेंट ही होता है. तो ये आपने बिलीफ बना ली और इसकी वजह से आपका एटीट्यूड क्या आ गया कि अब मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा. तो बिहेवियर में आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? जब भी आप साइकिल देखेंगे आप नर्वस हो जाएंगे या अपसेट हो जाएंगे, या आप अपने अपने लिए प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि मुझे साइकिल नहीं चलानी है, मेरा हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है. तो इस तरह से आप पूरा अपना बिहेवियर से काम करते हैं. तो आपकी जो भी बिलीव्स, वैल्यूज हैं और एटीट्यूड्स हैं वो इन आपकी सेंस ऑर्गन्स की मदद से माइंड में प्रोसेस होती हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली. और वो जो एक्सपीरियंसेस का पूरा डेटा बैंक बना है वो डेटा बैंक आप यूज करते हैं जब भी आप किसी सिचुएशन में काम करने वाले हैं. ठीक है, तो अब ये जो पूरा डेटा बैंक आपने यूज करना है, अब सोचिए अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी आ गई तो आप अच्छे से काम कैसे करेंगे? आप काम नहीं कर पाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो इसीलिए हमें उस डेटा बैंक में अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी भरना जरूरी है. सो दैट जब भी आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो उसमें से पॉजिटिविटी ही बाहर आएगी और वो आपको हेल्प करेगी टू फंक्शन बेटर, गो फॉरवर्ड, राइट? सो दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड वर्क्स, उसको कैसे डेवलप किया जाए और उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं. फाइन, सो अब तक हमने क्या देख लिया इस आधे घंटे के अंदर? सो हमने अब तक समझ लिया है कि साइकोलॉजी एक विषय है जो माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड काम करता है. साइकी माने हमारा माइंड होता है. ठीक है, पॉजिटिविटी माने हम कोई भी सिचुएशन में उसकी ब्राइटर साइड, लाइटर साइड देखने की कोशिश कर रहे हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें कोई अच्छी चीजें ढूंढें और उसको एनहेंस करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम आगे उसको लेके उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अच्छे से निकल पाए. सो वी हैव अ बेटर एंड बेटर रिजल्ट. तो
हम किस चीजों से बने हुए हैं वो भी हमने देखा। हमारे मन और शरीर में तीन पार्ट्स के, हम तीन कंपोनेंट्स के बने हैं। एक होता है हमारा आत्मन, सोल या स्पिरिट, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं, जो हमारा बैटरी का काम करता है। और दूसरा जो है वो है सिम, ठीक है, सिम कार्ड। तो सिम कार्ड माने हमारा माइंड, मेंटल बॉडी या मन। तो ये मन दो चीजों से बना रहता है, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, जो सारी हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो बिलीफ वैल्यू एटीट्यूड से बनी है, उनका वो जमा करती हैं, डेटा जमा करती हैं। और हम इसी चीजों को इस्तेमाल करके बिहेवियर दिखाते हैं, या हमारा वर्तन उसी से बनता है और उसी से हम एक्शन लेते हैं, उसी की मदद से, फाइन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द एक्सटर्नल बॉडी, क्योंकि ये नहीं होगा तो ये दो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो ऑब्वियसली हमारा जो स्थूल शरीर है, बॉडी, तो वो हम बॉडी के बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग हमें देख पाते हैं। पर हम काम कहाँ से ज्यादातर कर रहे हैं? हमारे माइंड से कर रहे हैं। और एज पर मॉडर्न बायोलॉजी, माइंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन, इट्स कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेन एंड इट वर्क्स ओवर देयर, राइट। सो काफी सारी बातें हो चुकी हैं, लेट्स हैव सम एक्टिविटी टाइम सो दैट वी कैन हैव सम टाइम टू फिगर आउट ऑल दीज गुड थिंग्स दैट वी आर लर्निंग टुडे, ओके। सो एक छोटी सी एक्टिविटी करवा रही हूँ, और मैं चाहूंगी आप सब लोग उसमें जुड़े और इस एक्टिविटी का मजा ले। एक्टिविटी का नाम है बटरफ्लाई। अब सबने तितलियां देखी हैं, ठीक है, तो एक इमेजिन कर लीजिए, एक ब्यूटीफुल वाली तितली जो आपको याद आ रही है, कोई अच्छी कलर वाली तितली। और हम सब जानते हैं तितलियां कैसे ग्रो करती हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। पहले एक छोटा सा अंडा, नो, तितलियां किसी पेड़ के, नो, लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर रहता है, और फिर उसके आजू बाजू रेशम के धागे बन जाते हैं, जिसे ककून कहते हैं। तो बहुत सारे रेशम के धागों के बीच में वो अंडा ग्रो करता है, जिसमें से वो कैटरपिलर आता है। तो ये जो कैटरपिलर है, उसके अंदर से फिर वो रेशम के धागे का ककून तोड़ेगा, और फिर उसमें से आपको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आज हमें उसका एक गेम खेलना है, बटरफ्लाई का। आपको इमेजिन करना है, पहले तो एक आप अच्छी सी जगह ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, जैसे हम हर सेशन में करते हैं। इस बार भी मैं चाहूंगी कि जब भी हम एक्टिविटी करें तो आपका, नो, जहां भी आप बैठे हैं वहां कम से कम आवाज हो। आप सिर्फ मुझे सुनेंगे तो चलेगा, नहीं देख रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ आप तक मेरी आवाज पहुंचे। आराम से कहीं बैठ जाइए, 10 मिनट कम पोजिशन में। जिन लोगों ने एनक स्पेक्टेकल्स लगाए हैं वो अपने चश्मा रिमूव कर लेंगे, ठीक है, और आंखें बंद करेंगे, एकदम से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, आंखें आराम से बंद कर लेंगे। हमें तितलियों से जैसा बनना है, तो उसके लिए हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जरूरी है, इसलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो तितली बनने की जरूरत है आज। सो कैसे तितली बनेंगे? सो आराम से बैठ जाइए, अपना एक दो बार अच्छे से ब्रीदिंग देख लीजिए, आराम से एक दो बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए। अब आप सोचिए कि आप कहीं पर बैठे हैं बहुत अच्छी जगह पर, कोई नेचुरल पॉन्ड, लेक, या कोई बहुत ही सुंदर जगह पर बैठे हुए हैं, और वहां आपने इस एक तितली के कैटरपिलर को देखा। मैं समझती हूँ सब कैटरपिलर समझते हैं, और कभी भी देखा तो होगा ही। तो कोई सा भी एक कीड़ा या कैटरपिलर आप इमेजिनेशन में लाइए, और अब सोचिए कि वो धीरे धीरे किसी शाख पे, किसी ब्रांच पे, किसी, नो, टहनी पे चढ़ा हुआ है, स्लोली स्लोली आगे जा रहा है। और जब वो जा रहा है तो उसने एक एक पर्टिकुलर ब्रांच को पकड़ लिया, एक छोटी सी टहनी को पकड़ के चिपक गया है। और अब आगे जाके वो क्या कर रहा है कि वो धीरे धीरे उस टहनी पे अपने आजू बाजू रेशम के धागे बुन रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे पतले से सुनहरे धागे बुन रहा है। इस चीज को एंजॉय कीजिए, फील कीजिए कि आप एक शांत बढ़िया सी जगह पे हैं, और आप उसे देख रहे हैं दूर से कि कैसे ये सुंदर सा कैटरपिलर अपने आजू बाजू एक बढ़िया सा धागा बुन रहा है। रेशम का धागा है,
हल्का सा पीला, हल्का सा सफेद, चमकता हुआ, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट सा धागा अपने आजू बाजू उसने बनाया है और आप उसे प्यार से देख रहे हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि उसने ये बढ़िया सा धागा बुना हुआ है, तो उस धागे के अंदर से अब कैटरपिलर निकलना चाहता है, वो बड़ा हो रहा है उस धागे के अंदर, और हल्की सी सूरज की किरण उसके ककून के अंदर एक छोटे से कोने से, एक छोटे से होल से एंटर हो रही है। और अब आपने आपने क्या किया है, अब आप सोच रहे हैं कि आपके पास जितनी भी अभी बुरी फीलिंग्स हैं, जो भी खराब चीजें आपने महसूस की हैं अब तक की, वो सारी चीजें आपने उस कैटरपिलर को दे दी है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो भी आपको बुरी चीजें याद आ रही हैं, कोई भी बुरी बुरी फीलिंग आपको आ रही है, किसी का गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए दुख आ रहा है, सफोकेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, कोई भी ऐसी मेमोरी जो आपको परेशान किए हैं, वो सारी चीजें आपने उस कैटरपिलर को दे दी है। सारी की सारी चीजें आप उसको दे रहे हैं कि तू ले ले भाई, मुझे नहीं चाहिए, तू ले ले। अपने पास्ट में से आपको कुछ बुरी मेमोरी याद आ रही है, लॉकडाउन की कोई बुरी मेमोरी याद आ रही है, या अभी हाल ही कुछ किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी ने कुछ कह दिया है आपको, आपका मन दुखाया है, तो वो सारी चीजें आप उस कैटरपिलर को दे रहे हैं। वो कैटरपिलर ने बड़े प्यार से वो सारी चीजें ले ली हैं और अब वो जो धीरे से सूरज की किरणें आई हैं, वो किरणों को वो फेंकते हुए, तोड़ते हुए धीरे धीरे वो ककून खोल रहा है। और जब वो ककून खोल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसका रूप भी बदल रहा है। और अब आपने पाया कि वो कैटरपिलर तो आप खुद ही हैं, आपने ही अपने आप को कैटरपिलर माना है, और अब आप एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार, मल्टी कलर, कलरफुल तितली में अपने आप को पा रहे हैं। आपने एकदम से रियलाइज किया, सडनली आपको ये ध्यान आया कि ये तितली तो मैं ही हूं, बहुत ही रंगीन कलरफुल तितली, जिसने अपने सारे दुख सब कुछ वो ककून में ही छोड़ दिया है, वहीं पे डाल दिया है, और अब वो उसको पंख आ गए हैं और बहुत ही सुंदर तितली बन के आप आकाश की तरफ उड़ रहे हैं। आप मानिए और ये मान के चलिए कि आपको पंख मिल गए हैं और काफी सारे रंगीन कलर से आप बने हुए हैं, बहुत ही खुश और बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं और काफी फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। इतनी सारी फ्रीडम आ गई है और आप उड़ते जा रहे हैं, ऊपर नीला आसमान है, सूरज की चमकीली किरणें हैं और काफी सारे, बहुत सारे बर्ड्स के बीच में आप आराम से उड़ रहे हैं। अब आप एक तितली हैं और तितली की जैसे उड़ रहे हैं, तो नीचे की ओर देखिए, तो देख रहे हैं तो जमीन के ऊपर काफी सारे बहुत खिले हुए मल्टी कलर, अलग अलग रंगीन किस्म के ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फूल उगे पड़े हैं। आप उन सब को देख रहे हैं, उन सब की ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उन्हें देख के वो कलर्स को फील करके आप बहुत ही सुकून फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समा बंधा है, आप प्यार से हल्के से उड़ रहे हैं, आपके अपने खुद के कलर्स हैं और आप बहुत ही फ्री हो गए हैं, और अब आप धीरे धीरे एक बढ़िया सा फूल है उसके ऊपर, उसकी पेटल्स के ऊपर आके बैठ चुके हैं और ऐसे सॉफ्टली बैठे हैं जैसे उस पेटल्स को, उस फूल को पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ बैठा हूं। बस इसी जॉय में रहिए, इसी एक्सपीरियंस को बांधे रखिए, इस फीलिंग के साथ चलिए कि मैं मुक्त हूं, मैं फ्री हूं और मेरे पास सिर्फ आनंद, खुशी और पीस है। मुझे पंख मिल गए हैं और मैं आकाश में उड़ सकता हूँ और अभी मैं आराम से मेरे मनपसंद फूल के ऊपर आराम से सॉफ्टली बैठा हुआ हूँ। टेक योर टाइम इन एक्सपांडिंग योर फीलिंग्स, फील योर फीलिंग्स टू द बेस्ट।
Let the light, hope, enter yourself. Feel the joy. That's all. Slowly, you can open your eyes. I would like to know your experiences, how it was. आई होप मैनी ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग लाइटर. आपको काफी आराम मिला होगा और काफी लोगों को थोड़े टाइम के लिए ही सही पर उनको काफी जॉयफुल भी फील हुआ होगा. येस वेरी पीसफुल. येस यू फील वेरी फ्री. एक अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होता है. ठीक है, एक अजीब सा होप आता है. Right? Okay, somebody saying she was on a beautiful red rose. Right? किसी ने स्मेल भी किया रोज को, बहुत अच्छी बात है. राइट, सो फ्रेश फीलिंग आई आपको. राइट, एंड कभी भी तितली बन के उड़े नहीं है, आज लगा होगा कि कुछ अलग ही मूड बना. अब ये क्या किया हमने, क्या किया ये गेम, क्या थी ये गेम, आपको बहुत सारी बार खेलनी चाहिए. ये गेम जो थी वो थी हमारे अंदर जो ये सारी हमारी अनवांटेड फीलिंग्स पड़ी रहती हैं, ठीक है, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, इन फीलिंग्स से डील करने की ये टेक्निक है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ डायनेमिक इमेजिनरी टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस. सो माइंडफुलनेस इज वन ऑफ द वेज टू ब्रिंग योर मेंटल बॉडी टू द करेक्ट प्लेस. ओके, सो दैट आप उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतरी से अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकें और हम उसे रीडायरेक्ट कर सकें कि भाई तुम अच्छी फीलिंग्स के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में सोचो. तो जब भी आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स का घिराव हो चुका है या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैं इससे डील नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए. तो इससे आप अपने माइंड के साथ नो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं इन अ वे. और ये सारी टेक्निक बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन है. कई बार हमको ऐसा लगता है बिकॉज हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं तो हमें लगता है ये सब क्या इमेजिनेशन से काम होता है, विजुअलाइजेशन के से क्या होता है, पर ऐसा नहीं है. ये सारी फिजियोलॉजी पे काफी इम्पैक्टफुल टेक्निक्स हैं. इससे आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज होती है और जब आप सोचते हैं इस ढंग से और इस तरह से आप प्री प्लान करके अपने मन को एक नई आदत से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंटरनल केमिस्ट्री जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बुरी चीजें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों से भरेगा. तो फिर आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी अपनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो आपके साथ ही है. आप पॉजिटिव बन चुके हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर इन अ प्रोसेस टू बिकम पॉजिटिव. बट उस टाइम पे जब आप ऐसे एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो यू आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड अल्टीमेटली यू बिकम अ टोटल पॉजिटिव पर्सन. फिर नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया. अब हम आगे जाते हैं हमारी थियोरी के साथ कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्चुअली होता क्या है. जब हम ये बार बार बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो ये क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी. तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो हमने आज विषय लिया है ये कोई नो लाइफ कोचिंग सेशन या मोटिवेशनल सेशन या वो जो आपकी बुक है ना सीक्रेट, फॉलो द अट्रैक्ट कीजिए आप चीजों को और कुछ चीजों को फॉलो कीजिए तो वो चीजें आएंगी. वी आर नॉट इन टू दैट काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्टफ. ओके, वी आर टॉकिंग प्योरली साइंस. पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ प्रूवन साइंस. इसकी थियोरीज टेस्टिफाई की गई हैं, इसको वैलिडेट किया गया है. सो ये कोई मोटिवेशनल लाइफ कोच वाले टॉक्स से रिलेटेड नहीं है. इट्स अ फैक्चुअल साइंस एंड इट्स बीन प्रूवन दैट इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इट इज वेरी वेरी यूजफुल टू गवर्न अ वेरी गुड लाइफ अहेड. राइट, और यूजुअली हम लोग कैसे ट्रेन हुए हैं अब तक, हमें बताया गया है क्या नहीं करना चाहिए.
ओके, क्या करने से बुरा होता है? जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर वो गिरने वाला है तो क्या कहेंगे, गिर जाओगे तो लगेगा। तो वी व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज फ्रेम द नेगेटिव फर्स्ट, हम नेगेटिव चीज को पहले लेके आ जाते हैं। हम सोचते हैं क्या चीज गलत है, हम हमारा पूरा थिंकिंग उस तरफ ही जाता है, क्या चीज गलत है या क्या गलत हो सकता है। ओके, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में वी पे अटेंशन ऑन एंड वी आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज राइट विथ यू, नॉट व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। यूजुअली हमें हर हर चीज यही, हर तरीके से यही बताया जाता है, तुम्हारी ये चीज गलत है, तुम्हारा वो चीज गलत है, तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकती, या तुम ऐसी नहीं हो। हम हमारे लिए भी ऐसे ही सोचते हैं, पर हम ऐसे नहीं सोचते कि व्हाट इज राइट विथ यू, व्हाट इज गुड अबाउट यू। ओके, सो हमें इस पर्टिकुलर विषय में ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना है ऑन द टॉपिक, व्हाट इज गुड अबाउट मी, व्हाट इज राइट अबाउट मी, हाउ टू थिंक राइट अबाउट मी, हाउ टू ऑप्टिमाइज माई स्ट्रेंथ सो दैट आई कैन डू बेटर एंड बेटर वर्क, राइट। और ये जो पर्टिकुलर साइंस है, ये साइंस अगेन हैप्पीनेस का साइंस नहीं है। अगर कोई ऐसा समझ के बैठा है कि ये कोई हैप्पीनेस साइंस के बारे में बात कर रही है, तो नहीं, दिस इज अ साइंस अबाउट डीलिंग विथ इंक्रीजिंग योर वेल बीइंग। ओके, हाउ यू कैन इंक्रीज योर वेल बीइंग बाय द यूजिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी, यू कैन इंक्रीज योर वेल बीइंग। नाउ ये जो पर्टिकुलर वेल बीइंग है वो क्या होता है? वेल बीइंग माने अ स्टेट ऑफ योर माइंड वेर इन यू फील हैप्पी, हेल्दी एंड कंफर्टेबल। ओके, सो जब आप मेंटली खुशी महसूस करने के स्टेट में हैं, आप मेंटली कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मेंटली हेल्दी फील कर रहे हैं, तो वो जो स्टेट आपका बना मन का, उसको हम वेलबींग स्टेट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सब कुछ होता है, सारी चीजें होती हैं, फिर भी हम खुश फील नहीं करते हैं। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर आप अपनाते हैं तो आपको वो प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि कैसे आप खुश फील कर सकते हैं। आपने कई बार ऐसे केसेस देखे होंगे कि इंसान के पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होती है, बहुत सारा पैसा होता है, सब कुछ सही चल रहा है, पर फिर भी उसको खुशी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका मन वेल बीइंग फील नहीं कर रहा है। तो वेल बीइंग कैसे फील किया जाए, उसके लिए यूएस के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मार्टिन सेलिंगम। तो उन्होंने 5 पिलर्स हमको बताए हैं, उस 5 पिलर्स को बोलते हैं पार्मा। सो दिस पार्मा इज द वन विच हेल्प्स अस इन डीलिंग और क्रिएटिंग वेल बीइंग फॉर अवर सेल्व्स। ओके, सो पार्मा शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली पार्मा का फुल फॉर्म क्या होगा? सो पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इमोशंस, E stands for engagement, R stands for relationships, right? M stands for meaning, and A stands for accomplishment. So, according to him, if you want to feel or increase your well-being, then you are supposed to use these 5 different pillars, make maximum use of this, then your well-being will increase. And if your well-being will increase, then you will be automatically having a positive attitude, a positive mindset. राइट, सो पहले देखते हैं ये पॉजिटिव इमोशन, ये क्या होता है? पहला पिलर पॉजिटिव इमोशन माने क्या? सो इमोशंस में हमारे पास काफी सारे इमोशंस हम फील करते हैं, पर हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एनहेंस करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है। हमें ऐसी चीजें हमारे लाइफ में ज्यादा करनी चाहिए जिससे आपका पॉजिटिव इमोशन का स्केल बढ़े। तो पॉजिटिव इमोशन माने क्या? आप एनर्जेटिक फील करें, आपको ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो, आपको सक्सेसफुल फील होना चाहिए, जॉयफुल फील होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए, ठीक है? आप किसी चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए तो एक्सेप्टेंस फील होना चाहिए, कंपैशन फील होना चाहिए। तो ये जो सारी फीलिंग्स है, लव फील होना चाहिए, राइट, ब्रदरहुड फील होना चाहिए, दिस आर ऑल योर पॉजिटिव इमोशंस। सो दीज पॉजिटिव इमोशंस व्हेन यू एनहेंस बाय डूइंग सम एक्टिविटीज, देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर पिलर नंबर वन। ओके, सो पिलर नंबर वन इज टू यूज द पॉजिटिव इमोशंस। नाउ इसको कैसे बढ़ाया जाए, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। सो वी विल कम टू नो डिस्कशन इन इन द लेटर पार्ट कि हम कैसे पॉजिटिव बन सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, पिलर्स का हम मैक्सिमम इस्तेमाल करें। पहले हम पिलर्स देख लेते हैं, ठीक है? तो हमें नेगेटिव इमोशंस को दूर रखना है। जो चीजें नेगेटिव इमोशंस बढ़ाती हैं, उन चीजों से दूर रहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेंडेमिक के दौरान काफी लोग न्यूज बहुत देखते हैं। यू आर थ्रोइंग सो मच ऑफ बैड इंफॉर्मेशन ऑन योर माइंड,
नोइंगली और अनोइंगली काफी सारी नो टेलीविजन से या सोशल मीडिया की मदद से आप इतना सारा खराब बुरा नो नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं. तो कॉन्शियसली अगर वो नहीं ले रहे हैं तो भी अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है. तो आप क्या डाल रहे हैं, अनकॉन्शियसली काफी सारी नेगेटिविटी भर रहे हैं. एंड दैट इज वन रीजन दैट मेनी ऑफ यू डोंट फील गुड. इवन दो इन द लॉकडाउन यू हैव टू फील नो सो मच थैंकफुल के भाई आप वेल टू डू हैं, आपको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, आप 6 महीने से घर पे आराम से रह सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, आराम से सोने को मिल रहा है, टेलीविजन देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, योर लाइफ इज सो वेरी मच फुल. ओके, पर हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी भरी हुई है. राइट, कहाँ से आ रही है ये सारी चीजों से. हमने आजू बाजू की जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो एक्शंस में ही सारा नेगेटिविटी है. सो हमें हमारे एक्शंस को ऐसे करना है, इम्प्रूव करना है कि हम पॉजिटिव इमोशंस को लाएं और नेगेटिव इमोशंस को कम करें. तो वैसे काम नहीं करें जिससे आपका नेगेटिव इमोशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, जेलसी बढ़ रही है, इरिटेशन बढ़ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं. तो वो कामों को आपको ध्यान नहीं देना है, उसको कम करना है. राइट, सेकेंड पिलर क्या है? सेकेंड पिलर जो है वो था एंगेजमेंट. सो व्हाट इज दिस एंगेजमेंट? सो एंगेजमेंट का मीनिंग ये होता है कि जब आप अपनी पसंदीदा चीजों में रहते हैं, पसंदीदा काम करते हैं, दोज थिंग्स विच मेक यू फील हैप्पी जॉयफुल, वो चीजें आप करते हैं तो उसमें आप ऑटोमेटिक एंग्रॉस हो जाते हैं. उसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता. तो आप अपने आप देखिएगा, आप चेक कीजिएगा, जो भी आपको मनपसंद चीज आप कर रहे हैं, जिस जो आपकी फेवरेट चीजें होती हैं, जिसको करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, तो उसमें आपको अलग एनर्जी मिलेगी, आपको थकान भी नहीं लगती है, और आप इतने एंग्रॉस हो जाते हैं कि आजू बाजू क्या चल रहा है सब भूल जाते हैं. यू आर ओनली विथ दैट वर्क. ओके, कोई किसी को पेंटिंग का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को म्यूजिक का इंटरेस्ट हो सकता है, कोई गार्डनिंग कर लेता है, कोई अपना डायरी राइटिंग करता है या पोएम लिख रहा है. तो जब आप ये सारी एक्टिविटीज में जा रहे हैं तो आप इतने घुल मिल जाते हैं अपने काम के साथ कि आप उसी मोमेंट में जी रहे हैं. यू आर इन द प्रेजेंट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, नॉर यू हैव एनी पास्ट थिंग्स कमिंग अप, एंड दैट मेक्स यू फील वेरी मच हैप्पी. सो इस काइंड दिस इज नोन एज एंगेजमेंट. दिस काइंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड यू हैव टू इंक्रीज. ओके, एटलीस्ट गिव. अगर आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसको तो लाना तो है ही, अपना एक मी टाइम तो होना ही चाहिए जिसमें आप ऐसी कोई एक्टिविटी से जुड़े हैं जिसमें ऑटोमेटिक फ्लो आता है. इसको साइंटिफिकली फ्लो बोलते हैं. इसको एफर्टलेसली आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं. तो ऐसी मोमेंट्स अपने लाइफ के लिए जनरेट करना जरूरी है. ठीक है, तो ये हो गया एंगेजमेंट वाला दूसरा पिलर. द थर्ड पिलर इज रिलेशनशिप्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, बिकॉज ऑल ऑफ अस समवेयर और दी अदर वी स्ट्रगल विथ नो दिस रिलेशनशिप इश्यूज. सो रिलेशनशिप्स में हमें हम बिना रिलेशनशिप्स के नहीं जी सकते. भले आप अपने आप को लेबल कर रहे हैं कि मैं तो अकेला रह सकता हूं या रह सकती हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेन कनेक्टेड. हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी के साथ कनेक्शन में रहें, जुड़े रहें, भले ही दूर से रहें जुड़े हुए, पर हमें हमें अकेले अकेले या नो एकदम अलूफ रहना अच्छा नहीं लगता है. हमें किसी ना किसी लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और वो जिन लोगों के साथ हम जुड़े हैं उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका आश्वासन, उनका विश्वास जब हमें मिलता है तो वो हमारी लाइफ को एनहेंस करता है. तो हमें पॉजिटिव रिलेशंस की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इन्वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग गुड बॉन्डिंग. ओके, मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स. जिन रिलेशनशिप्स में आपको लग रहा है कि आप कंज्यूम हो रहे हैं और वो आपका नेगेटिव इमोशन बढ़ा रहा है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम. अगर आपको कोई मिल रहा है आपके आजू बाजू घर में जो हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, जो हमेशा ग्रम्बल करते रहते हैं, दे आर कंप्लेनिंग काइंड ऑफ पीपल, उनके पास हर चीज के लिए कंप्लेन रहती है और हर चीज के बारे में उन्हें कोई ना कोई क्रिटिसिज्म ही होता है, वो किसी चीज में कुछ अच्छा देख नहीं पाते हैं, तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं दे रहे हैं. पर अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति है या मैं ऐसा एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ किसी के साथ भी जिसकी वजह से
मेरे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जिससे मिलने से या जिससे बात करने से आपका नो पॉजिटिविटी एनहेंस हो रहा है, आपका पॉजिटिव इमोशन बढ़ रहा है, आपको जॉय मिल रहा है, आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, आपको एक फ्रीडम मिल रही है, आपका आउटलेट हो रहा है, आप वेंटिलेट कर पा रहे हैं। तो उस किस्म के रिलेशनशिप्स को आपको मेंटेन करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिलेशंस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। रिलेशंस में इन्वेस्ट कीजिए, अल्टीमेटली वो ही काम लगता है। मोबाइल काम नहीं लगेगा, टेलीविजन काम नहीं लगेगा, रिलेशनशिप्स काम लगेंगी। तो अपने दोस्तों को से बात कीजिए, उनसे अपनी अनो मित्रता बढ़ाइए, संबंधों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे आपका खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड बदलेगा, आपके रिलेशनशिप्स भी बदलेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है ना। तो जब पॉजिटिव माइंडसेट होता जाएगा, तो आपको लोगों में भी पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखेंगी और नेगेटिव चीजें कम दिखेंगी। और जिनको भी ये रिलेशनशिप्स इश्यू हो रहे हैं, माइंड वेल, वी कैन नॉट चेंज पीपल, वी कैन ओनली चेंज अवर सेल्फ्स। और हाउ कैन वी चेंज अवर सेल्फ्स इफ वी आर फॉलोइंग दिस पॉजिटिव साइकोलॉजी मैकेनिज्म्स, विल बी एबल टू चेंज अवर सेल्फ्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट वी ट्राई टू एनहेंस गुड पॉजिटिव रिलेशंस एंड नॉट अलाउ द रिलेशंस टू कंज्यूम अस। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड नो रिलेशनशिप का पिलर। इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा नो मैंने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, वो याद आ रही है, आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ा सकते हैं। वर्क प्लेस में कई जगह अब कंपनीज में पॉजिटिव साइकोलॉजी हैज बीन टेकन अप एज वन ऑफ द टूल टू एनहेंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जब कंपनी में जो भी इनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप 20 स्लाइड्स तैयार कीजिए और हर स्लाइड्स के ऊपर आपको 20 सेकंड बात करनी है। 20 सेकंड बात करेंगे, 20 स्लाइड, पर उसमें से एक भी स्लाइड इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू वर्क, ऑफिस रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड नहीं होना चाहिए, समथिंग अबाउट यू। ओके, यू हैव टू टॉक फॉर 20 स्लाइड्स फॉर 20 सेकेंड्स अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फीलिंग, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ओनली, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू द वर्क। नाउ ऐसे करने से क्या होता है, बॉन्डिंग बढ़ती है और हम कंपटीशन घटाते हैं। हमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होती है, हम समझने लगते हैं कि ये बंदा भी मेरे जैसा ही है, देखो उसकी लाइफ में भी यही चीजें हो रही हैं जो मेरी लाइफ में हो रही हैं। हम लोग एक दूसरे के तरफ का हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है, तो आप एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होती है, कॉम्पिटिशन बिटवीन द पीपल टू सम एक्सटेंट बिकम्स हेल्दी, इट्स नॉट बिकमिंग नेगेटिव, दैट इज वो खींचा खींच नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होता, पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है, हेल्दी रिलेशनशिप बनती है। तो ये चीज आप अपने चिटचैट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको बातें करना अच्छा लगता है, हम सब बतियाते हैं, गॉसिप करते हैं, पर गॉसिप में आप अच्छी बातें लाइए, बुरी बातें मत लाइए, ग्रम्बल मत कीजिए, डोंट गो फॉर अननेसेसरी नो नेगेटिव थिंकिंग और शेयरिंग नेगेटिव टॉक्स। ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल विथ पीपल। किसी को भी रोना धोना सुनना अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी किसी का अच्छा नहीं लगेगा, पर आप अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो आपसे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये चीजें आपको अपनानी है एज पिलर नंबर 3, दैट इज रिलेशनशिप। द फोर्थ थिंग इन दिस पार्मा इज एम, दैट इज मीनिंग। सो मीनिंग माने क्या, ऐसा साइंस में पाया गया है कि जब हम हमारे ऊपर काम करते हैं, माने हमारे अपने आप को इम्पोर्टेंस कम देके ज्यादा इम्पोर्टेंस किसी और के लिए या कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, सोशल सर्विस के लिए, या अपने आजू बाजू अपने फैमिली मेंबर्स या किसी अनो पर्टिकुलर भाई बहन या फ्रेंड के लिए काम करने में मीनिंग ढूंढते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत पर्पसफुल बन जाती है। वी फाइंड अ मीनिंग इन लिविंग। सो वी आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर, वेन वी डू सम एक्टिविटी, व्हाट्स द मीनिंग अबाउट इट, उसका पर्पस क्या है। जब आप अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ लेते हैं और आपका जो भी वर्क है, जो भी काम है, वो पर्पसफुल बनता है, मीनिंगफुल बनता है, तो दैट लीड्स टू मोर जॉय, दैट लीड्स टू मोर पीस, दैट लीड्स टू मोर सेटिस्फेक्शन। सो वो क्या करेगा, अगेन वो आपकी पॉजिटिव इमोशन को एनहेंस करेगा। सो यू यू हैव टू फाइंड आउट मीनिंग of what what kind of work you are doing, try to find out some meaningful living, okay? जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसमें क्या कोई purpose है आपका, क्या आप कोई life का purpose achieve कर पा रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढिए कि क्या चीज होगी जिसको करने से आपकी life ज्यादा meaningful बन जाएगी।
जब आप इसका आंसर ले पाएंगे तो आप रियली पॉजिटिविटी की तरफ और तेजी से भाग रहे हैं, जो जरूरी है। सो ढूंढिए कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, हमारे से भी ऊपर उठ के किसी की हेल्प हो रही है, उससे आपको खुशी हो रही है, जबरन नहीं। अगर जबरन हो रहा है तो वो मीनिंगफुल नहीं हुआ, फिर वो नेगेटिव इमोशन में जाएगा। पर अगर किसी का हेल्प करके, किसी के साथ रह के, किसी को अपने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या उससे आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन रही है? अगर है तो वो चीजें कीजिए, दैट विल एड टू योर पॉजिटिव माइंड सेट, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस पार्मा ऑफ दैट फाइव पिलर सिस्टम ऑफ वेल बींग इज अकम्प्लिशमेंट। सो अकम्प्लिशमेंट माने क्या? सी, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। वी ऑल वॉन्ट एंड वी वेट के विन विन वाली सिचुएशन मेरे बॉक्स में हो, मेरे पास हो। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हमें रिवॉर्ड्स मिले, हमें एप्रिसिएशन मिले। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ी भी या कुछ भी अकम्प्लिशमेंट लेते हैं, कुछ भी पाते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें लगता है हम वर्थी वर्थी इनफ हैं, हम जीने के लायक हैं, हम किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी असेंशियल कि हम हमारी छोटी छोटी चीजों का नो उसका उसका रिवॉर्ड लें, उसको उसको अप्रिशिएट करें। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ओवर कंपनीज इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, दैट दे ट्राई टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ देयर पीपल बाय अप्रिशिएटिंग। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, भले छोटी चीज के लिए, अगर आपकी माँ ने आज बढ़िया सा खाना बनाया है, हम हमारी मदर्स को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, उसने आपकी कोई फेवरेट वाली डिश बना दी, तो दो ही शब्द से वो खुश हो जाएगी। आप उसको बोलिए थैंक यू मम्मा, एंड यू सी द डिफरेंस। नो, उसका जो भी थकान हुई होगी, उसको वो चीजें बनाने में तुरंत उतर जाएगी। देर इज अ वेरी बिग रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू आर सेइंग। ऐसा कहा जाता है सेल बायोलॉजी में, इट्स प्रूवन फैक्ट। देर इज नो सेल बायोलॉजिस्ट नोन एज डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने ये प्रूव किया है कि जब आप अपना परसेप्शन माइंडसेट चेंज करते हैं, तो इमीजिएटली आपके सेल का परसेप्शन, सेल की केमिस्ट्री बदल जाती है। तो अगर आप इस समय बहुत बुरे नो विचार से चल रहे हैं, तो आपके सेल के अंदर, जो बॉडी के सेल्स हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ है। बायोकेमिकली इट्स वेरी वेरी इन ट्रबलसम पार्ट, बट वेन यू आर इन अ जॉयफुल स्टेट, योर सेल्स आर फीलिंग हैप्पी, एंड दैट एनहेंसेस द बॉडी फिजियोलॉजी बायोलॉजी एंड हेल्प्स यू टू वर्क बेटर। सो एप्रिसिएशन जब होता है, तो हमारी केमिस्ट्री ऑटोमेटिक वो अच्छे से काम करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एनहेंसिंग इफ यू कैन अप्रिशिएट। छोटी छोटी चीजें हैं ना, अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपके घर में कोई सर्वेंट आ रहा है और वो काम कर रहा है, और वो बीमार है फिर भी आ रहा है काम करने के लिए, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि भाई बहुत अच्छा, तुम इतना बीमार रहते हो फिर भी आज तुमने आके मेरा ये काम कर दिया, एंड यू सी द डिफरेंस। वी ऑल क्रेव फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, वी वॉन्ट समबडी एल्स नो नो लेबल्स अस एज गुड। ठीक है, हमें अपने आप का सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने के लिए कई बार दूसरों की वैलिडिटी की जरूरत पड़ती है, और उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी है बाय अप्रिशिएटिंग। सो ऑल दीज फाइव थिंग्स इफ वी यूज इट, देन वी आर सेइंग दैट वी आर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। ओके, नाउ देर माइट बी क्वेश्चन विथ मेनी, भाई ठीक है ये सब करना चाहिए, करना होता है, पर इसके फायदे क्या? अगर ये सब करेंगे तो इसका कोई बेनिफिट है, जो सेट डाउन बेनिफिट है? देर आर बेनिफिट्स इफ यू हैव पॉजिटिव माइंड सेट, पॉजिटिव थिंकिंग, इफ यू आर वर्किंग इन पॉजिटिव साइकोलॉजी वे, योर लाइफ स्पान इंक्रीजेस, आपकी लॉन्जिटिविटी, आपके जीने के साल बढ़ जाते हैं, आप लंबा जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। यू रिड्यूस द रेट्स ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी, यू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ डिस्ट्रेस स्ट्रेस। ठीक है, आपका नो रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी बढ़ेगा, जो भी आपका कॉमन कोल्ड है या डिजीजेस है, उसके नो उसके उसको फाइट करने की आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। आप फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली काफी वेलबींग फील करेंगे। आपका कार्डियोवेस्क्यूलर हेल्थ है, वो भी प्रोटेक्टेड रहता है, आप काफी सारे कार्डियोवेस्क्यूलर हार्ट प्रॉब्लम से बहुत दूर रहेंगे, नो ब्लड प्रेशर जैसी चीजें आपको आएंगी नहीं, और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी
2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ेगी जितना आप उसको अपनाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, उसके साथ में जो भी चैलेंजिंग टाइम्स होंगे, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम्स तो आने ही वाले हैं, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि भाई नो देर आर नो चैलेंजेस इन द लाइफ या स्ट्रगल पीरियड नहीं आया, वो सब तो आएगा ही। बट इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस इज दैट यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर कोपिंग स्किल्स। आपका जो नो लड़ने का जो नजरिया है, लड़ने की जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगी। तो वो बढ़ाने के लिए ये 5 चीजों का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। दिस डज नॉट एट ऑल मीन दैट देर इज नो पर्पज ऑफ नेगेटिव इमोशन या देर इज नथिंग नो दैट बैड शुड नॉट बी टेकन केयर ऑफ। माइंड वेल, पॉजिटिव साइकोलॉजी शुड नॉट बिकम टॉक्सिक पॉजिटिव साइकोलॉजी। ओके, व्हाट डज दिस मीन? माने मैं मान के बैठी हूं मेरे साथ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब मुझे प्यार करेंगे, और मैं एक्शन कुछ नहीं कर रही हूँ, काम कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मान के बैठी हूँ, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यू हैव टू पुट द एफर्ट्स, बट यू हैव टू पुट इट इन द राइट वे बाय बीइंग पॉजिटिव, यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स, नॉट लुकिंग एट द बैड थिंग। ओके, बट बैड थिंग्स का भी उसका अलग रोल रहेगा। अगर आपने कोई गलत काम किया है और अगर आपने आपके पापा आपको डांटेंगे नहीं, तो शायद आप सीखेंगे नहीं, तो उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस रहेगा। पर हम क्या कर देते हैं, हम पूरा दिन बैड चीजों को, नेगेटिव चीजों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छी चीज को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। पापा ने डांटा तो अच्छी बात है, पर पापा को जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करना है। तो क्या हुआ, उसने पॉजिटिव भी देखा आपका और नेगेटिव भी देखा, देन इट इज वैलिड एंड बैलेंस। पर ज्यादातर हम क्या करेंगे, हम हमारे बारे में और दूसरों के बारे में नेगेटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। हर कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज का बना रहता है, पर हमें उसका ज्यादा यूज करना है पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। नेगेटिविटी कम होती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करेंगे पॉजिटिवली, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी नेगेटिविटी को कवर अप करके पॉजिटिविटी से ही शाइन करेंगे। दैट्स वाई नो टॉक्सिक पॉजिटिविटी, बट ओनली एंड ओनली वी आर सपोज टू यूज इज द अप्रोप्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड विच हेल्प्स अस पुट अवर एफर्ट्स एंड एक्शंस इन अ बैलेंस्ड वे, राइट? सो ये हो गया हमारा कैसे हम हमें पॉजिटिविटी का, माने पॉजिटिविटी क्या रहती है, क्या होता है, उसके 5 पिलर्स और उसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे। नाउ बिफोर वी गो अहेड, इट्स अगेन टाइम फॉर अ गुड एक्टिविटी। सो इस बार हम खेल रहे हैं एक दूसरी गेम जिसका नाम है रेड बलून गेम। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द रेड बलून गेम एवरीबडी? लेट मी सी योर थम्स अप। सो मैं मानती हूँ कि आपको मजा आ रहा है आज के सेशन का। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज जरा थम्स अप दिखा दीजिए, तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज रेड बलून एक्टिविटी। ओके, सो पहले के जैसे हम अपनी आंखें बंद करेंगे और एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाएंगे जहां कम से कम आवाज है। हमें हमारे साथ रहना है 10 मिनट के लिए फॉर दिस रेड बलून एक्टिविटी, राइट? और आप जहां क्या कहीं पर भी हैं, एकदम आंखें बंद करके रिलैक्स मोड में आ जाइए। और अगेन यू थिंक ओवर योर बेस्ट पॉसिबल हैप्पी प्लेस, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, जो भी मनपसंद जगह आपको पसंद है, वहां पहुंच जाइए मेंटली, अपनी मन की आंखों से, इमेजिनेशन की आंखों से पहुंच जाइए कि कौन सी जगह आपको बहुत पसंद है। वहां जाके आप सुकून से बैठे हैं, जो भी पोजीशन में, पैर लंबे करके बैठना है तो पैर लंबे करके चेयर के ऊपर बैठे हैं, पर आप आराम से आंखें बंद करके अपनी फेवरेट जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। सबकी आंखें बंद हैं और अब धीरे धीरे आप अपनी ब्रेथ के ऊपर देख रहे हैं, अपनी सांस को महसूस कर रहे हैं कि कहाँ से सांस आ रही है, कहाँ जा रही है, और अपने शरीर को मन की आंखों से देख रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जहां आप बैठे हैं वहां कहीं पे दूर कहीं एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है, एक कंटेनर जैसा पड़ा हुआ है। आप उठ के उस कंटेनर के पास जा रहे हैं। अब आप उस कंटेनर के पास पहुंच गए हैं
और जब आप कंटेनर के पास पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कंटेनर बड़ा सुंदर सा है, पर जब खोल के देख रही हूं तो अंदर कुछ नहीं है, खाली है। कंटेनर अंदर से पूरा खाली है। अब आपने क्या किया कि कंटेनर को खोला और आपके दिमाग में इस टाइम पे जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी बुरी सारी फीलिंग्स आ रही हैं या बुरे सारे एक्सपीरियंस मेमोरीज आ रही हैं, सारे के सारे उसको एक स्टोन या चिट्ठी बना बना के वो कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं। जितने आपको याद आ रहे सारे आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके पास्ट के हो या किसी गिल्ट फीलिंग वाले हो, किसी के झगड़े के साथ हो, कुछ भी पूरा जो आपको लग रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगने दे रहा है, उन सब सब चीजों का आप नो एक एक पुड़िया जैसा बना के वो सारी पुड़िया इकट्ठी करके वो पेपर चिट्स को इकट्ठा करके वो बॉक्स के अंदर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। हो सके उतने सारे डाल दीजिए, जब तक कि आपको लगे कि नहीं मैं खाली नहीं हूं। अपने पूरे मन की सारी चीजें खाली कर दीजिए, जो भी नेगेटिव चीजें आपको याद आ रही हैं वो सारे उस डब्बे में भर दीजिए। जब तक आपका मन खाली नहीं हो जाता, भरते रहिए, डब्बे में बहुत जगह है। आपकी सारी चीजें, बुरी चीजें, बुरे ख्यालात, आपका जो भी हर्ट हुए हैं, आप किसी से, किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ उसमें डाल रहे हैं। उसकी चिट्ठियां बना बना के, उसका चूरा कर करके उसमें डाल दिए हैं। अब सारी चिट्ठियों से आपने वो बॉक्स पूरा भर दिया है, और अब आपने क्या किया, उस बॉक्स को बंद किया और उस बॉक्स को ताला लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ताला मार दिया तो आपकी नजर दूर कहीं पे एक बड़े से लाल रंग के गुब्बारे के ऊपर जा रही है। एक बड़ा सा गुब्बारा है, रेड कलर बलून है, वो कहीं पे पड़ा हुआ है, लटक रहा है। और अब आपको एक आइडिया आ रहा है, आपको लग रहा है कि चलो मैं ये डब्बे को उस बलून के साथ बांध देता हूं। तो आप चल रहे हैं, डब्बे को लॉक किया हुआ है और डब्बे को उठा के आप बलून की ओर जा रहे हैं। आप बलून के पास पहुंच चुके हैं और अब बलून के साथ जो धागा लगा हुआ है उस धागे के साथ आप ये डब्बे को बांध रहे हैं। अच्छे से टाइटली उसको बांध दिया है और अब आप ये जो गैस से भरा हुआ लाल रंग का बैलून है उसको हवा में छोड़ रहे हैं। उसको हवा में छोड़ा और अब आराम से अपनी जगह पर जाके बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये बलून कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे आकाश में बलून ऊपर की ओर उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। नीला आकाश है, सूरज की किरणें आ रही हैं और उसमें आपको दूर तक ये बलून उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वो छोटा हो रहा है क्योंकि वो दूर जा रहा है, तो बलून धीरे धीरे छोटा हो रहा है और उसके साथ में आपकी वो सारी चीजें जो खराब चीजें थी वो भी लेके जा रहा है। सब चीजें जो आपके मन में खराब थी, वो सारी खराब फीलिंग्स, वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो नेगेटिव इमोशंस उस डब्बे में पैक है, वो बलून अपने साथ उड़ा ले जा रहा है। और अब वो इतना छोटा हो गया है जैसे कि एक छोटा सा डॉट है आकाश में, आपको सिर्फ एक छोटा सा डॉट ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और जब आपको एक छोटा सा डॉट डॉट दिखा तो थोड़ी देर में तो ये बलून ही गायब हो गया। अब आकाश में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इट्स अ प्लेन ब्यूटिफुल ब्लू स्काई विथ लॉट ऑफ गुड कलर्स। और जब आप ये देख रहे हैं तो आप बहुत ही सुकून और खुश फील कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं, आपका चीयरफुल मूड आ रहा है क्योंकि आपकी सारी बुरी फीलिंग्स उस बलून के साथ चली गई हैं। आपका मन खाली हो चुका है और अब आप जॉयफुल, लाइट और हैप्पी फील करना शुरू कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर आप देख रहे हैं कि मन में इतनी सारी जगह है कि आप लाइट भर सकते हैं, खुशियां भर सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भर सकते हैं, क्योंकि सारी नेगेटिव फीलिंग वो बलून के साथ डिसअपियर हो चुकी हैं। अब कुछ भी मन में बुरा नहीं रहा, सब कुछ निकल गया है। आप बैठे बैठे सुकून महसूस कर रहे हैं और अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल रहे हैं। एंड यू आर बैक टू द सेशन।
सो हाउ वॉज दिस फीलिंग? रेड बलून कितनों के अच्छे से उड़ गए और ले गए नेगेटिव फीलिंग. इसमें ऐसा हो सकता है किसी को रोना आया हो, कोई बहुत ही दुखद नो घटना घटी हो तो वो याद आ गई हो, पर जब ने आपने ये बलून में सब पैक करके भेज दिया तो उसके बाद आप काफी रिलैक्स हो चुके होंगे. आई होप दिस इज गिविंग सम बेनिफिट्स टू यू. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स. तो ये था हमारा इमेजिनरी विजुलाइजेशन एक्टिविटी 2. ये भी माइंडफुलनेस एक्टिविटी है. इसको आपको करना है जब आप बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, बहुत ही बुरे विचार आ रहे हैं, तो इसको अपनाइए. इसको कभी भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी हैव डन दोज नो प्रीवियस वंस. तो जैसे हमने आगे की तो वैसे ये भी किया जा सकता है. तो ये करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बार बार क्लिंजिंग होगा जो आपके मन में नेगेटिव हर्ट फीलिंग्स हैं. कई बार क्या होता है, हमें खुद को रियलाइज नहीं होता है कौन सी चीज सबकॉन्शियसली अंदर चली गई है. तो जब हम ऐसे बैठ के सोचना शुरू करते हैं और उसे बाहर लाके रखना है हमें एक बॉक्स के अंदर, तो बहुत सारी बार ऐसा होगा कि वो चीजें अंदर आएंगी जो आपके बहुत ही डीप कॉन्शियस में कहीं छुपी बैठी हैं. तो इससे आपका सबकॉन्शियस का डेटा बैंक क्लीन हो रहा है और यू आर एबल टू प्रोवाइड सम जगह. अपने अंदर जगह चाहिए ना. अगर आपकी पेन ड्राइव पूरी भरी हुई है और अगर आपका डेटा सारा भरा है कंप्यूटर में, तो नई चीजें कैसे डालेंगे? तो हमें खाली भी तो करना है. तो नेगेटिव चीजें इस तरह से निकालें. यूं निकालेंगे तो नई चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए जगह बनेंगी. ठीक है? तो दिस इज हाउ दिस टू टेक्निक्स यू कैन यूटिलाइज. माइंडफुलनेस टेक्निक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू स्टे इन प्रेजेंट. एंड स्टेइंग इन प्रेजेंट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डेवलप पॉजिटिव साइकोलॉजी, बिकॉज इट कट्स अवे फ्रॉम फ्यूचर एंड इट कट्स अवे फ्रॉम द पास्ट. यूजुअली हम पास्ट से वरीफुल हो जाते हैं, राइट? उसका सोच सोच के हम परेशान रहते हैं और फ्यूचर के बारे में हम चिंता बहुत करते हैं. आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अनसर्टिनिटीज बहुत है. पेंडेमिक में काफी लोगों को फ्यूचर की बहुत चिंता रहती है, अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा. तो ये चीज को हमें कट करना है और पास्ट को कट करना है. पास्ट की जो बुरी मेमोरीज है उसको कट करना है. तो उसके उसको कट करने के लिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है. तो प्रेजेंट में रहना कैसे सीखेंगे? जितना हम माइंडफुलनेस में रहेंगे उतना हम प्रेजेंट में जीना सीखेंगे. तो ये दो चीजें, दो टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है? तितली बन जाइए और रेड बलून का इस्तेमाल कीजिए और एंड यू कैन लर्न टू स्टे इन माइंडफुलनेस. मैंने ऑलरेडी एक सेशन में आपको माइंडफुल ब्रीदिंग सिखाया है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए. तो आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे. धीरे धीरे वो टाइम टेन्योर बढ़ेगा. तो एक टाइम ऐसा होगा कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हमेशा प्रेजेंट में मोमेंट में ही जी रहे हैं. तो जो बंदा मोमेंट में जीना सीख गया फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो उसकी लाइफ सुधर गई 100%. ठीक है? तो ये बात हुई हमारी पॉजिटिव कैसे हम इस माइंडफुलनेस एक्टिविटी को यूज करेंगे. अब बात आती है कि अगर मुझे ज्यादा पॉजिटिव बनना है तो मैं कैसे पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में इंक्लूड करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले आपको आपकी वोकैबुलरी, आप जो शब्द प्रयोग या वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपको कॉन्शियस बनना है, उसको अलर्टली यूज करना है. हम ज्यादातर नो हम लोगों की पैटर्न होती है वर्ड्स यूज करने की. जैसे कई लोगों की पैटर्न ऐसे होगी कि वो बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं फॉर मेनी ऑफ थिंग्स. मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे आता ही नहीं, ये मेरा काम नहीं. ठीक है? या फिर ये बहुत त्रास देता है या ये बहुत बोरिंग है. आप देखिएगा, मार्क कीजिएगा, आपके पूरे दिन में कुछ एक सेंटेंसेस आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो काफी नेगेटिव होंगे. या फिर जो आप बोल रहे हैं उसमें काफी सारी नेगेटिव बातें आ रही हैं, पॉजिटिव नहीं आ रही हैं. तो जब आप बोल रहे हैं तो उसकी डायरेक्टली आपके बॉडी मन के ऊपर बहुत गहरी इंपैक्ट होती है. एज आई हैव टोल्ड, योर सेल्स अंडरस्टैंड वॉट इज योर थॉट एंड वॉट इज योर वर्ड्स. तो हमें हमारे वर्ड्स को बेटर करना है. यूज पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स. सपोज आपको आपके टीचर ने असाइनमेंट दे दिया कि आपको प्रेजेंटेशन करना है. ठीक है? और आपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी की तो आप बार बार क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत नर्वस हूं, मैं बहुत नर्वस हूं. तो
तो इससे क्या होगा, नर्वसनेस बढ़ेगी ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं, यू आर कंफर्मिंग नो अफर्मिंग योर सेल्फ, आप बार बार अपने आप को और बताए जा रहे हैं कि मैं नर्वस हूं, पर आप उल्टा बोलिए ना, अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा, ठीक है. देन व्हाट विल हैपन इज योर सेल्स एंड योर कमांडिंग योर सबकॉन्शियस के ये चीज अच्छी होने वाली है. उससे उल्टा क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं मैं नर्वस हूं मैं नर्वस हूं, तो उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको घूट रहे हैं. हमें ऐसे नहीं करना है. सो फर्स्ट थिंग इज चेक योर वोकैबुलरी, करेक्ट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू आर स्पीकिंग. ओके, सो इससे क्या होगा कि इससे ही आपकी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, और जो हमें पॉजिटिव इमोशंस लाने हैं वो इस चीजों से बढ़ेंगे, राइट. फिर हमें हमारे थॉट प्रोसेस को भी अच्छा इम्प्रूव करना है. सो थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऑटो सजेशंस या एफर्मेशंस का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. तो ये ऑटोमेशंस और ये एफर्मेशंस क्या होते हैं, वी यूजुअली आर ऑलवेज डूइंग सेल्फ टॉक. हम हमारे साथ बात करते ही हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी खुद से बात करने की हैबिट को पहचानते नहीं है या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. तो जब हम ये सेल्फ टॉक करते हैं तो हम उसमें बहुत नेगेटिव चीजें ही बोलते रहते हैं अपने बारे में या फिर जो हुआ है उसके बारे में. तो जो आप मेंटली सोच रहे हैं एक्चुअली वो सेल्फ टॉक का एक भाग हो गया. तो ये सेल्फ टॉक जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं. अब ये एकदम से नहीं आता है, तो हमें क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर सेंटेंसेस अपने लिए फ्रेम करने हैं. तो आप जो भी चाहते हैं कि आपके अंदर जो टाइप की पॉजिटिविटी का मिसिंग है या डालना चाहते हैं, जैसे आपको नो आप चाहते हैं कि मेरे अंदर सुकून आए या मैं ज्यादा नो लविंग बनूं कैरिंग बनूं, तो आप उसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखिए. इसको बोलते हैं एफर्मेशन, राइट. और जब आप इस एफर्मेशन इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन. तो आप अपने आप को जानबूझ के ऑटो सजेशंस अच्छे सेंटेंसेस का दीजिए, जब तक कि आपको हैबिट नहीं हो जाती कि आपके मन में वही पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो. जैसे कि अगर पेंडेमिक में किसी को डर लगता है या बहुत चिंता हो रही है और सुकून महसूस नहीं हो रहा है, बहुत एंशियस एंजाइटी बढ़ रही है, तो वो क्या करेंगे, उनको करना है सेंटेंस बनाना है कि मैं पीसफुल हूं, या किसी को डर लग रहा है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया तो वो क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे कि मैं हेल्दी हूं मैं परफेक्ट हूं. तो ये दो सेंटेंस हैं. आपको ऐसे नहीं, ये सेंटेंस नहीं बनाना है कि मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा. कहीं पे भी जब ऑटो सजेशंस एफर्मेशंस बनाएंगे तो नहीं नो नॉट इजंट दैट इज नॉट शुड नॉट नॉट का नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं जो डायरेक्टली आपका मन समझ पाए. लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाएंगे, छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रिसाइज सेंटेंसेस बनाएंगे जो हमें चाहिए, ठीक है. और फिर उसको बना के उसको रिपीट करेंगे. अब एक ही चीज के लिए आप अलग अलग किस्म के सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे मैं हेल्दी हूं मैं सुकून से हूं, ठीक है. तो इसमें कोरोना वायरस का कहीं डिस्क्रिप्शन लाने की जरूरत नहीं है, पेंडेमिक में मैं सुकून से हूं. हमें सिर्फ पेंडेमिक के टाइम के लिए तो सुकून नहीं चाहिए, हमें तो पूरी जिंदगी सुकून चाहिए. तो उसको जनरलाइज करिए, ठीक है, कि मैं सुकून में हूं और सुकून से होऊंगा भी नहीं, ऑलरेडी हूं. यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, ओके. ऑलरेडी मैं सुकून में हूं. तो नॉट नहीं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने हिसाब से अपने नो बारे में अच्छे से सोच के अपने लिए सेंटेंसेस बनाएंगे, जिस किसी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे, मिक्स लैंग्वेज में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारे लिए यूज करना है. और इसे टाइम टू टाइम दिन में 10 15 20 बार 5 बार 6 बार रिपीट करेंगे, ओके. चाहे तो शुरुआत में अगर बहुत तकलीफ है एंजाइटी डिप्रेशन की या अनसर्टेनिटी चिंताओं की, तो आप इसको क्या करिए कि इसको नोट डाउन कीजिए, वो चिट्ठी को पॉकेट में रखिए, या जो घर में कोई ऐसी जगह है जहां बार बार जा रहे हैं वहां उसको लिख के चिपका के रखिए. तो जब भी उस जगह जाएंगे उसको पढ़ लिया कीजिए. दैट्स वन वे टू रिमेम्बर दिस. अदरवाइज बेस्ट इज आप अपने नो मोबाइल में अलार्म क्लॉक लगा दीजिए, हर 1 2 घंटे में अलार्म बजेगा, आपको इसको नो अलर्टली अवेयरनेस के साथ सेंटेंसेस को 2 3 4 बार रिपीट करना है. इस ऐसे करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये पर्टिकुलर सेंटेंसेस डाल रहे हैं कि आई एम पीसफुल, और दैट इज वर्किंग, इट्स गोइंग विद इन द सबकॉन्शियस ऑल्सो, ओके. एंड वेन दिस गोज विद इन यू, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट चेंजिंग. सो यू आर यूजिंग योर माइंड सेट इट सेल्फ
टू चेंज योर माइंडसेट, राइट। आपको काफी सारी किताबें मिल जाएंगी, काफी सारा ऑटो सजेशंस, एफर्मेशंस रेडीली अवेलेबल भी मिल जाएगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट आप अपना खुद से बनाइए, क्योंकि जो आप खुद बनाएंगे वो आपको ज्यादा अपील करेगा। तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से बनाइए, एंड यू कैन नो यूज दिस काइंड ऑफ एफर्मेशंस। बेस्ट टू यूज देम इज व्हेन यू गो टू द स्लीप, ओके, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग अर्ली। तो जब आप उठ रहे हैं सुबह, सबसे उठ के पहले तकिए के नीचे, अपने कुशन के नीचे ये रख दीजिए, पिलो के नीचे चिट्ठी रखिए और उसको उठते ही पढ़ लीजिए, दो चार बार पढ़ लीजिए, तो वो एफर्मेशन आपके बॉडी के अंदर जाना, माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू चेंज योर थॉट पैटर्न। नाउ व्हाई वी नीड टू चेंज द थॉट पैटर्न? बिकॉज थॉट्स आर अराइजिंग इन द माइंड। तो जो हमारा कॉग्निटिव पार्ट है माइंड का, उसी में थॉट्स पैदा होते हैं, और एवरी डे हम 60,000 to 70,000 थॉट्स, दे आर कमिंग एंड गोइंग पर डे, सो इट्स अ बिग नंबर। और ये मैं अप्रोक्सीमेट जनरल नंबर बोल रही हूँ, कोई ओवर थिंकिंग वाला बंदा होगा तो 70,000 से ज्यादा भी थॉट्स आ सकते हैं, ओके, सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। एंड दिस थॉट्स गो नोइंगली और अननोइंगली फ्रॉम यू। आप सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 60,000 70,000 थॉट्स आपको हर एक थॉट रियलाइज हो रहा है, वो अनकॉन्शियसली अंदर जा रहा है, पूरा आपके बॉडी के अंदर अनकॉन्शियसली ये चीज जा रही है, ठीक है। तो इसे हमें इसको व्हाई नॉट टू यूज इट इन अ बेटर वे व्हेन दे आर गोइंग इनसाइड। सो यू बेटर यूज इट योर दिस ऑटो सजेशन एफर्मेशंस, राइट। सो इससे क्या होगा कि आप जो थॉट्स अंदर डाल रहे हैं, वो पर्टिकुलर थॉट्स जो अंदर जाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी यूजफुल एंड दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ओके। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विथ योर सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस इंप्रूव होगा ऑटोमेटिक, धीरे धीरे आप बाहर आ जाएंगे। नाउ देर माइट बी पीपल हु आर एक्सट्रीमली लॉजिकल, जो बहुत रैशनली सोचते हैं, उनको लगेगा कि मैडम क्या बता रही हैं, ऐसी सब चीजों से थोड़ी ना कुछ सुधर जाता है। बट सी, दिस आर ऑल ट्रायल एंड एरर एंड प्रैक्टिस मैटर्स। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ थियोरी, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। सो इफ यू प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेन द रिजल्ट्स। सो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही पाएंगे कि आप बदल रहे हैं, और लोग भी पाएंगे कि आप बदल रहे हैं। यू आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ नो नो थिंग्स कमिंग फ्रॉम पीपल कि आप चेंज हो रहे हैं। वो आपके रिलेशंस में भी दिखेगा कि आपके रिलेशंस बेहतर बन रहे हैं, आपका वर्क बेहतर बन रहा है, आपका सक्सेस सक्सेस रेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ एक चीज हो गई कि आप अपने वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हुआ आप ऑटो सजेशंस करेंगे। तीसरा हुआ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारा फोकस रहता है मेरे में क्या नहीं है, वो लिस्ट अभी भी आप पूछेंगे ना तो काफी को पता होगा, फटाफट वो लिस्ट आ जाएगी कि मुझे क्या नहीं आता है, मैं किस में अच्छा नहीं हूं, पर ये लिस्ट नहीं आती कि मैं किस में सबसे बेहतर हूं। कौन सी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है? आपकी वीकनेस तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड इन अ वे टू थिंक व्हाट इज रॉन्ग विथ अस, बट वी आर नॉट ट्रेन्ड इन अ वे टू थिंक व्हाट इज राइट विथ यू। सो इन दैट वे लिस्ट आउट योर स्ट्रेंथ कि कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ बनती है, क्या चीजें हैं लाइफ में जो आपका स्ट्रेंथ बना रहा है। आर यू गुड इन टू समथिंग लाइक नो हेल्पिंग समबडी, और यू आर हैविंग सम एफिशियंसी इन सम पर्टिक्युलर वर्क एरिया, या आप किसी आपके हैंड राइटिंग अच्छे हैं तो आप उस लिखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आप कौन सी चीजों में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ओके, उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और वो लिस्ट आपको बढ़ाना है। यू हैव टू एनहेंस दैट लिस्ट बाय इम्प्रूविंग योर पॉजिटिव इमोशंस। तो ये साथ में जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल कीजिए। हम प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम एंड देन वी थिंक अबाउट द नेगेटिविटी। मुझे ये तो आता नहीं है, अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। अरे पर तू देख तो सही कि तुझे क्या आता है। वो जो आता है वो पर्टिकुलर टूल्स, वो स्किल्स का इस्तेमाल कर टू डील विथ योर प्रॉब्लम। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वीकनेसेस का वजन, उसकी इफेक्ट कम होगी और आप प्रॉब्लम से अच्छे से डील कर पाएंगे। हम यूजली अपनी पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। अब क्यों फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनो एप्रोप्रिएट सेल्फ एस्टीम। हम हमारे अपने आप से चाहे उतना प्यार ही नहीं करते हैं। अब ये कहना बहुत ईजी है, नहीं नहीं मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाउ हाउ डू यू चेक दिस कि यू लव योर सेल्फ और नॉट?
टुडे आफ्टर दिस सेशन यू गो टू योर नो मिरर, अपने घर में जहां पे भी मिरर लगा है जहां आप अपना अपनी शक्ल देख सकते हैं, वहां जाके खड़े हो जाइए और वहां जाके अपनी आंख में आंख मिला के 3 शब्द बोलिए, आई लव यू। अगर वो 3 शब्द बोल पा रहे हैं आंख में आंख मिला के अपने आप से, दैट मीन्स यू आर डूइंग सेल्फ लव। अगर वो सोचने सोचना पड़ रहा है कि ये मैं बोलूं, या ऐसा थॉट आ रहा है दिस लुक्स वेरी ऑकवर्ड, दैट मीन्स यू आर नॉट इन टू सेल्फ लव। ओके, सो इफ यू आर इन सेल्फ लव यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर सेल्फ एस्टीम विल इम्प्रूव एंड एवरी डे यू शुड डू दिस। अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता हूं, तो इन दैट कंडीशन प्लीज यूज दिस मिरर इमेज टेक्निक। ओके, गो एवरी डे एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड द फर्स्ट थिंग यू से टू योर सेल्फ इज आई लव यू। ओके, दैट इज आई लव माई सेल्फ, राइट? एंड से दिस विद एज मच पॉसिबल लव एज पॉसिबल। सी, हम किसी और को तभी प्यार कर सकते हैं जब हम खुद से प्यार करते हो। जो हम अंदर रखेंगे वो ही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अगर आप अंदर से गुस्सा है तो आप बाहर भी गुस्सा ही दिखाएंगे, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है तो बाहर भी फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। योर ट्रू रिफ्लेक्शन इज ओनली गोइंग टू कम आउट व्हाट यू हैव इनसाइड। सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ लव इनसाइड ओनली इफ यू आर लविंग योर सेल्फ। हम में से काफी लोग इतने सारा गिल्ट फीलिंग रखते हैं अपने लिए, अपने आप को प्यार नहीं कर पाते, अपने अपने लिए इतनी सारी नफरत पैदा की हुई है, तो दूसरों को कैसे प्यार करेंगे? तो ये टेक्निक यूज कीजिए, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इट्स एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू से दिस 3 वर्ड्स टू देमसेल्व्स ऑनेस्टली। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट। ओके, अपने आप से ही तो बात करनी है, कहाँ किसी और को बोलना है। कोशिश करके देखिएगा, ये आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा। दूसरा आप क्या करेंगे टू इंक्रीज योर सेल्फ लव? ओके, यू हैव टू पैम्पर योर सेल्फ लाइक अ चाइल्ड। सो जब आप सेल्फ टॉक करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ टॉक कीजिए। ओके, और सेल्फ टॉक जब आप कर रहे हैं तो अपने आप से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने बच्चे हैं, अपने खुद के बच्चे हैं। आप अपने आप को बच्चा समझ लीजिए और एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ किड। हम छोटे बच्चों से कैसे प्यार से बात करते हैं, उन्हें कितना पैम्पर करते हैं, उन्हें कितना दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उस तरीके से हम अपने साथ कभी बात नहीं करते हैं। तो आप बात कीजिए अपने आप से, अपने आप को पैम्पर कीजिए और सेल्फ लव बढ़ेगा। जितना सेल्फ लव बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, वो चीजें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपका पॉजिटिव इमोशन बढ़ाएगा। दिस आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड को रिलेटेड थिंग्स। ओके, सो दैट इंक्रीज इज योर स्ट्रेंथ। जो तीसरी चीज आपको आपको करने की जरूरत है, दैट इज योर इंक्रीज इन सेल्फ कंपैशन। हमें सेल्फ कंपैशन बढ़ानी है। तो सेल्फ कंपैशन माने क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ कंपैशन? सो सेल्फ कंपैशन माने केयर एंड कंसर्न अबाउट अवर ओन सेल्फ। बी काइंड टू योर सेल्फ। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक माई ओन एग्जाम्पल। आई बिलीव इन लॉट ऑफ परफेक्शन एंड आई एम ऑलवेज सेल्फ डिमांडिंग। सो मुझे हर चीज एक पर्टिक्युलर नो तरीके से ही चाहिए, तो मैं उसमें इतना सारा काम कर डालती हूँ कि मेरा मेरा लेवल ऑफ डिमांड अपने आप से बढ़ जाता है। देन आई डू सेल्फ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। ओके, एंड उसकी वजह से क्या होगा? आई एम नॉट काइंड टू माई सेल्फ। नाउ इफ यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ, यू आर नॉट शोइंग सेल्फ कंपैशन। ओके, यू हैव टू बी काइंड एंड केयरिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली केयर करते हैं। अच्छे वाला, बहुत महंगे वाला साबुन लेके शरीर को लगाएंगे और मानेंगे कि मैंने अपना बहुत केयर किया, पर वॉट अबाउट योर माइंड? यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड, यू आर नॉट बींग काइंड टू योर माइंड। सो वी नीड टू बी काइंड टू अवर सेल्फ। नाउ हाउ टू नो ब्रिंग दिस, ये इंकलकेट कैसे किया जाए, कैसे मैं सीखूं कि मैं सेल्फ कंपैशन बनूं? ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्ले अ नाइस लेटर नो लेटर गेम फॉर योर सेल्फ। सो सेल्फ कंपैशन कैसे बढ़ाएंगे? तो सेल्फ कंपैशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर पेन लेके बैठना है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। हो सके तो ये रोज करें तो अच्छा है, नहीं टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट 1-2 दिन में एक आध बार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। एंड देन व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू फाइंड आउट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, सिचुएशन और इवेंट जिसमें आपने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया हो, जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैंने ये सोचा था और ये सही नहीं हुआ, मैंने ये चीजें ठीक नहीं की है।
जिसने आपको अपने अपने लिए कोई प्यार नहीं आया, और यू आर क्रिटिसाइजिंग एंड डिसलाइकिंग योर सेल्फ द मोस्ट, तो उस इवेंट को याद कीजिए, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, उस कागज के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। फिर आप सोचिए कि उस सिचुएशन में कोई आपको ऐसा मिला था जिसने आपको अनकंडीशनली, ऐसा सब हुआ फिर भी एक्सेप्ट किया हो, ओके, या आपके तरफ प्यार दिखाया हो कि भाई होता है यार, छोड़ना, कभी कभी ये मिस्टेक भी हो जाती है, व्हाई आर यू सो मच अपसेट अबाउट इट। तो किसी बंदे ने, कोई मदर, फादर, भाई, बहन, फ्रेंड, किसी इंसान ने आपको उस सिचुएशन में ऐसा कहा है कि इट्स ओके, ये सब होते रहता है, डोंट माइंड, दैट डज नॉट मीन कि तुम बुरे हो। तो उसने आपको कैसे ये चीजें समझाई थी, उसको याद कीजिए, ठीक है? नाउ what you have to do is, after you have recollected all these things and written all those particular story in the paper, you try to now write a letter to yourself. अपने आप को एक पत्र लिखिए, ओके? उसमें आप सारा जितना भी प्यार डाल सकते हैं अपने लिए डालिए, और अपने आप को समझाइए कि ये इंसिडेंट जो भी हुआ था भाई, वो इंसिडेंट को इतना सीरियसली मत लो, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जैसे उस बंदे ने आपको अनकंडीशनल लव दिखाया, उसने आपको आपका नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हुए भी आपको अपनाया, आप अपने आप को अपनाइए। अब अपने आप को अपनाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए हमें ये लेटर राइटिंग करना है। राइट अ लेटर टू योर सेल्फ एंड शो सेल्फ कंपैशन, ओके? सो राइट इट डाउन कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है तेरे साथ, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम इसको अच्छे से इंप्रूव करेंगे, आई एम स्टिल विथ यू एंड आई एक्सेप्ट इन वॉट एवर वे यू आर। हम हमारे वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम हमारे पॉजिटिविटी तभी आएगी जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। तो अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए ये सेल्फ राइटिंग बहुत जरूरी है। सेल्फ टॉक कीजिए और सेल्फ कंपैशन लेटर लिखिए, मिरर वाली एक्टिविटी कीजिए, ठीक है? और व्हाट यू डू इज बिकम अ चाइल्ड टू योर सेल्फ। व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू बिकम मोर एंड मोर एंड मोर पॉजिटिव, राइट? नाउ ये तो बात हुई कि हम हमारा सेल्फ कंपैशन कैसे बढ़ाएंगे, अपने आप को इस तरह से लेटर लिखेंगे एंड वी विल बी इंक्रीजिंग द सेल्फ कंपैशन। बट हमें तो हमारा पॉजिटिव इमोशन भी तो बढ़ाना है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट पिलर ऑफ अवर पार्मा एज गिवन बाय डॉक्टर मार्टिन। तो हम पॉजिटिव को कैसे बढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, दैट वी आर सपोज टू टेक अप डेली वेकेशन, ओके? सो आपको एक और गेम अपने साथ खेलनी है कि आप एवरी डे यू विल टेक अ डेली वेकेशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन, डेली वेकेशन? सो हर रोज आप अपने नो लाइफस्टाइल रूटीन में, अपने दिन दिनचर्या में एक प्लान कीजिए कि कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत जॉय देती है, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका पैशन है, जिसको करने में बड़ा मजा आता है, जिसमें आप फ्लो एंगेजमेंट फील करते हैं, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, वो चीज आप करेंगे, ओके? एंड दैट इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ डेली वेकेशन टू योर सेल्फ। यू विल पुट ऑल योर वरीज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, एवरीथिंग असाइड, और वो जो आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा आपने डेली वेकेशन का प्लान किया है, आप उसमें पूरी तरह घुस जाएंगे। वेन यू डू दिस, यू आर अलाउिंग द पॉजिटिव इमोशंस टू कम, ओके? वो बर्स्ट होंगे, वो निकलेंगे अंदर से, वो जॉय, वो पीस, वो रिलैक्सेशन जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अंदर से आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें खिलेंगी, एंड दैट इज हाउ योर पॉजिटिव इमोशंस विल एनहेंस, इट विल डेवलप। बट यू हैव टू सी टू इट दैट यू गिव योर मी टाइम, यू शुड हैव सम स्पेस फॉर योर सेल्फ पर डे, ओके? और फिर क्या करेंगे, जो एक्टिविटी आपने की उसमें अलर्टली जब वो एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रीडिंग अ बुक, लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक, मे बी वॉचिंग योर फेवरेट मूवी, नो मे बी डूइंग सम गार्डनिंग, सम क्रिएटिव आर्ट एक्टिविटी, हेल्पिंग योर ब्रदर, एनीथिंग विच गिव्स यू अ डेली वेकेशन, राइट? सो वेकेशन मुझे समझाना नहीं है, सब समझते हैं वेकेशन का मतलब। तो वेकेशन का फीलिंग आपको लाना है एवरी डे फॉर सम टाइम, राइट? एंड उसमें जो आपको ये पॉजिटिव फीलिंग्स आई, उसको आप अलर्टली नोट डाउन कीजिए, उसको समझिए कि मैं जब ये करती हूँ या करता हूँ तो मुझे क्या क्या महसूस हो रहा है, मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही है, एक्साइटमेंट डाल रही है, मुझे ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। तो जो आपको फील हो रहा है उसको आप नोट कीजिए, ओके? और जब आप रात को सोने जाएंगे
तो उस इवेंट को वापस याद कीजिए जो आपने डेली वैकेशन में किया था. सो क्या होगा, यू आर नाउ गोइंग टू फिक्स दोज इमोशंस डीप इनसाइड योर योर सबकॉन्शियस, के ये चीजें, और आप इवन रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे. कई बार हमें पॉजिटिव इमोशन लेबल करना भी नहीं आता है. वी डोंट नो दैट दिस इज नोन एज पॉजिटिव इमोशन, या ये स्ट्रेंथ मानी जाती है, हम लेबल नहीं कर पाते हैं. तो वो आप सीखेंगे, और आप जानबूझ के अपने सबकॉन्शियस को अब बता रहे हैं कि देखो ये मैंने काम किया था तो मुझे ये टाइप का फीलिंग आया, राइट. एंड देन इवेंचुअली ऐसा होगा कि पूरा हफ्ता आप ऐसा करेंगे, एक एक घंटा आपने अपना वैकेशन दिया है, देन व्हाट यू डू इज कंपेयर योर दिस 1 वीक विथ डेली वैकेशन टू योर पास्ट वीक्स, अपने पिछले हफ्तों के साथ अपनी इस हफ्ते की क्वालिटी को आप कंपेयर कीजिए. आपको रियलाइज होगा कि यू हैव इम्प्रूव्ड मच बेटर, यू आर फीलिंग मच बेटर कंपेयर टू योर पास्ट नो फ्यू मंथ्स या पास्ट फ्यू नो टाइप ऑफ डेज दैट यू हैव स्पेंट. द रीजन इज यू हैव वर्कड इन इन दोज एरियाज विच आर गिविंग यू जॉय, एंड यू हैव नोटेड डाउन अलर्टली कि आपको कौन सी फीलिंग्स होती हैं. वी यूजली डोंट नो डेलिब्रेटली चेक कि हमें कौन सी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं. अब आपको अलर्टली उसको नोट डाउन करना है बाय डूइंग दिस डेली वेकेशन एक्टिविटी. सो यू ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू कैन इंक्रीज योर पॉजिटिव नो एक्सपीरियंसेस विच आर अल्टीमेटली गोइंग टू इंक्रीज योर नो पॉजिटिविटी. सो ये आपके लाइफ की पॉजिटिविटी को और अच्छे से बढ़ाएगा, ठीक है. सो ये हुआ हमारा नो रिलेटेड टू सेल्फ कंपैशन एंड रिलेटेड टू द इंक्रीज और हाउ वी एनहेंस अवर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ. रिलेशनशिप्स को और अच्छे से बढ़ाने के लिए आपको पर्ल पॉन्ड गेम हमेशा खेलनी चाहिए. नाउ व्हाट इज दिस पर्ल पॉन्ड गेम? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिश पॉन्ड. फिश पॉन्ड खेले भी होंगे, पर ये फिश पॉन्ड नहीं है, ये है पर्ल पॉन्ड गेम. पर्ल माने मोती, ठीक है. तो ये जो मोती है, हमेशा हम मोती अप्रिशिएट करते हैं. इट्स वाइट, प्योर, राइट, शाइनिंग, एंड इट इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग समथिंग गुड. सो आपको क्या करना है, जिसके साथ आपकी नहीं बन रही या जिसके साथ आपका तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस इंसान के अंदर आप एटलीस्ट 3 या 4 या 2 अच्छी क्वालिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 2 और 3 गुड क्वालिटीज इन द पर्सन whom you are facing conflict with, okay? तो आप पाएंगे कि इंसान बुरे नहीं होते हैं. एवरीबडी इज लाइक नो, जैसे आप हैं वैसे ही दूसरे हैं. सबका अपना पॉजिटिव नेगेटिव साइड रहता है, पर हम उसका पॉजिटिव साइड ही नहीं देखते हैं. हो सकता है कि जब आप उसका पॉजिटिव साइड देखना शुरू करेंगे, देर आर ऑल द चांसेस योर कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिड्यूसिंग. ओके, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई. ये सारी चीजें प्रैक्टिस की मैटर है. ये कोई नो थियोरी करके चले गए उसका मीनिंग नहीं है. ट्राई टू प्ले दिस पर्ल पॉन्ड गेम. आप खेल भी सकते हैं अपने घर में, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे भी पूछिए कि मेरे में आपको कौन सी 3 चीजें अच्छी लग रही हैं. सो दैट इज पर्ल पॉन्ड गेम. ट्राई टू फाइंड आउट, पिक 3 पर्ल्स फ्रॉम द पॉन्ड. Okay, about yourself, some 3 positive good things about you, and when they will tell you about you, you will feel very good. Same is with them. उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अच्छा इसको ये चीज मेरी अच्छी लगती है. कई बार ऐसा भी होता है कि वी डू नॉट रियलाइज अवर ओन गुड एस्पेक्ट. मे बी आपका आपके मम्मी ने अच्छा कुछ बता दिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होता है, या ये चीज मेरे में अच्छी है. So you start realizing good in others, and they start realizing good in you. And ultimately, क्या होगा कि those good things will help increase your tolerance power, your endurance capacity. So उसकी वजह से ऐसा होगा कि अगर वो बंदा थोड़ा बहुत कुछ गलत भी कर रहा है तो आप उसको जाने देंगे, क्योंकि या वो आपको जाने देगा क्योंकि वो समझते हैं कि सी उसमें ये सी चीजें तो अच्छी हैं, अब ये थोड़ी चीजें बुरी हैं तो दैट्स ओके, मैनेज कर लेंगे. तो यू बिकम मोर मैनेजेबल, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ठीक है. आप एक दूसरे की नेगेटिविटी को भी स्लोली एक्सेप्ट करेंगे और साथ में एफर्ट लगा के उस नेगेटिविटी को डील कर पाएंगे. सो एक दूसरे की वीकनेसेस आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे अगर आपको उसकी पॉजिटिव साइड समझ में आ रही है तो. अनफॉर्चुनेटली वी फेल टू सी एक्सेप्ट द पॉजिटिव साइड बिकॉज वी होल्ड लॉट ऑफ ग्रजेस. ओके, वी होल्ड लॉट ऑफ बायसेस एंड नेगेटिविटी विद इन अस. सो आपकी नेगेटिविटी जाएगी तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव सोचेंगे तो दूसरों का भी आप पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे. सो ट्राई टू प्ले दिस पर्ल पॉन्ड गेम
and enhance your relationships, right? And because there is a lot of things related to compassion with others and ourselves, we need to have something related to enhancing one quality that is known as gratitude, okay? Being thankful to others, to ourselves, to our surrounding, particularly to ourselves also, right? So जो हमें meaningfulness लानी है हमारी life में, कि मैं एक अच्छे घर में परिवार में पैदा हुआ, मेरे पास एक अच्छा शरीर है, we are not handicapped, you are not blind, you can hear, you are not deaf, right? You have two good hands, you can do your things. These are all things to be appreciated and it should be felt appreciable. Now, how to increase our capacity to appreciate, to show thankfulness, to be grateful, to gain and get all this kind of things. तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, दैट्स नोन एज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, या आप ग्रेटिट्यूड जार बना सकते हैं, जैसे मैंने ये एक छोटा सा आपको डिस्प्ले करने के लिए बनाया है. सो यू कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ अ कंटेनर और अ जार, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी डे एट द नाइट व्हेन यू आर नो गो अबाउट टू गो टू स्लीप, टेक टाइम. आपको अगर जार नहीं बनाना है तो आप जर्नलिंग लिख सकते हैं. यू हैव टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ राइटिंग एटलीस्ट थ्री थिंग्स विच यू फील यू आर थैंकफुल अबाउट इन दैट डे. आज आपकी आपके दिन में ऐसी कौन सी तीन चीज हुई जिसके लिए आप थैंक यू कहना चाहेंगे, उस तीन चीज को आप नोट डाउन करेंगे, उसकी चिट्ठी बनाइए और उसको इस जार में डाल दीजिए. ओके, तो यू कैन मेक ग्रेटिट्यूड जार्स लाइक दिस, ओके, एंड पुट द चिट्स द वे आई हैव केप्ट इट हियर. तो आप इस तरह से उसमें वो इंसिडेंट हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, कोई टाइप की फीलिंग्स हो सकती है, ओके, कुछ टाइप का थॉट हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन, समथिंग फॉर विच यू फील दैट आई एम थैंकफुल टूडे के ये चीजें हुई. तो वो तीन चीज आपको ढूंढनी है एट नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड, एंड यू राइट इट डाउन. अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो डायरी में तीन चीजें लिखिए, डेट लिखिए और बंद करके सो जाइए. ओके, नेक्स्ट डे अगेन यू डू दिस थिंग, राइट इट एंड कंटिन्यू दिस एटलीस्ट फॉर 7 days. 7 दिन तक ये करके देखिए. अगर जार यूज कर रहे हैं तो हर रोज तीन तीन चिट्ठियां डालिए जार के अंदर, ओके? और फिर जब आपका संडे आएगा तो जार को खोलिए और उसकी जो सारी चिट्ठियां थी वो चिट्ठियों को पढ़िए, ओके? खोल खोल के पढ़िए. अगर जर्नल में तीन तीन चीजें रोज लिखी हैं तो वो तीन तीन चीजों को गो बैक एंड रीड, एंड यू विल रियलाइज यू हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ टू बी थैंकफुल अबाउट. इट इज सच अ वंडरफुल लाइफ टू लीव. जो मीनिंग आपको नहीं मिल रहा है जीने का, जीवन में आपके पास क्या चीजें हैं, उसके बारे में आप ज्यादा रिस्पेक्टफुल फील करेंगे, उसके बारे में आप ज्यादा थैंकफुल फील करेंगे, एंड दैट विल एनहेंस ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ यू टूवर्ड्स योर लाइफ. आपका आपका जीने का नजरिया वो बदलेगा, आपका जीने का नजरिया ज्यादा बड़ा होगा. अब यू विल बिकम मोर ओपन माइंडेड, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितनी छोटी छोटी चीज आपके जीवन में बन रही हैं जो सीरियसली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं. दे एड वैल्यू टू योर लिविंग, योर स्टैंडर्ड, राइट? एंड यू आर एक्चुअली वेरी हैप्पी. द ओनली थिंग इज यू आर नॉट एबल टू सी. आपका परसेप्शन उस किस्म का नहीं था कि आप वो चीजें ढंग से देख पाए. तो आपको ये ग्रेटिट्यूड जार, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का काम करना है. तो ये करेंगे तो अगेन सेल्फ कंपैशन, कंपैशन फॉर अदर्स, ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, राइट? नो, जनरेटिंग गुड मेमोरीज, ब्रिंगिंग गुड थॉट्स, ऑल दिस इज गोइंग टू इंक्रीज. ये काफी सारी चीजें आपके लाइफ में बढ़ेंगी, पर बिकॉज हमें आदत नहीं है, हमें आदत बनानी है, इसलिए इन चीजों की हमें इनिशियली प्रैक्टिस करनी है. फिर ये ऑटोमेटिक आपका नजरिया सेट हो जाएगा, देन यू योर सेल्फ विल रियलाइज दैट आई डोंट नीड दिस थिंग्स टू डू फर्दर. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन एनहेंस पॉजिटिविटी इन योर लाइफ बाय डूइंग सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ नो थिंग्स टू योर लाइफ. सो बिफोर आई एंड अप द सेशन, लेट्स डू वन मोर गेम एंड देन वी कैन क्लोज डाउन द सेशन. सो द लास्ट गेम दैट वी वॉन्ट टू प्ले इज अ गेम रिलेटेड टू ड्रॉपिंग सूटकेसेस, जो सूटकेस बैग्स होती हैं. सो हमें दो बैग्स लेनी है और दोनों बैग्स को ड्रॉप करना है, उसको छोड़ना है. तो वो दो बैग्स के बारे में गेम खेलेंगे. गेम के रूल्स हमारे पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे. सो आई होप एवरीबडी इज रेडी टू प्ले द लास्ट गेम फॉर टूडेज सेशन. द नेम ऑफ द गेम इज गोइंग टू बी ड्रॉपिंग द सूटकेसेस.
ओके सो दो अच्छी वाली सूटकेस आपको सोचनी है, इमेजिन करनी है, राइट? सो एवरीबॉडी इज रेडी, देन वी शैल स्टार्ट. यू कैन जस्ट शो अप योर थम्स अप, क्लोज योर आईज, सिट इन अ प्रॉपर पोजिशन एंड वी कैन गो ऑन. ओके ग्रेट. सो अगेन सिट इन द नो वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, अच्छे से आराम से बैठ जाइए. वापस आंखें बंद करेंगे, एकदम काम और रिलैक्स हो जाएंगे. बी एक्सट्रीमली काम, रिलैक्स. वापस अपने ब्रीदिंग को देखेंगे, सांस कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है उसको देखेंगे. अब आंखें जब बंद है तो इमेजिन कीजिए, सोचिए आपके पास दो बैग्स हैं, दो सूटकेस हैं, विच एवर डिजाइन, कलर, यू नो, शेप यू वॉन्ट टू, यू कैन यूज दैट. आप अपनी इमेजिनेशन को छूट दे सकते हैं. बढ़िया सी दो बैग्स आपने ली हैं, बड़ी वाली. अपने हिसाब से उसका कलर भी चूज कीजिए, शेप चूज कीजिए, लेबल चूज कीजिए. और अब आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं दो बैग्स लेके. अब जब आप ये एक सड़क के किनारे दो बैग्स लेके खड़े हुए हैं, तो आपने क्या किया, एक बैग के अंदर अपने फ्यूचर की जितनी चिंताएं हैं उसको डाला. सो आप डालिए जितनी भी आपको फ्यूचर के रिलेटेड या किसी की इंसान के रिलेटेड, अपने रिलेटेड जो भी चिंताएं याद आ रही हैं, सारी चिंताओं से वो बैग भर डालिए. एक सड़क के किनारे खड़े हैं आराम से, बाजू में एक बेंच है, आपने अपना एक सूटकेस खोला और अब आप उसके अंदर आपकी सारी चिंताएं भर रहे हैं. सिर्फ चिंताएं, मम्मी के लिए हो, पापा के लिए हो, कोई रिलेटिव्स के लिए हो, अपने फ्रेंड्स के लिए हो सकता है अपने बारे में हो, अपने फ्यूचर, कैरियर, प्रोफेशन, जॉब, एनीथिंग, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जिसके बारे में आप वरिड हैं. अगर कोई बच्चे, माने यहाँ बहुत सारे फैकल्टीज हैं, तो अपने बच्चों के लिए वरिड हैं तो उनके लिए, कोई भी इंसान, कोई भी चीज जो आप, जिसके बारे में आप चिंतित हैं, जो आपको वरीसम एटीट्यूड दे रहा है, वो सारा वरी आप वो सारी चीजें उस बैग में भर डालिए. सब चीजें उसमें बराबर भरी हैं, चिंताएं सारी, और वापस हम इस बैग को लॉक कर देंगे. अब हमारा एक सूटकेस भर गया है. अब जो ये दूसरा सूटकेस है, इस दूसरे सूटकेस में हमें क्या करना है, हमें हमारे रिग्रेट्स, जो पास्ट में हमें कुछ ऐसी चीजें हुई हो कि शायद ये होता तो, वो हो गया होता तो अच्छा था, वैसा हुआ होता तो अच्छा था, इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों उसने बोल दिया, तो जो भी आपके रिग्रेट्स हैं, जो भी पछतावा आपको है अपने पिछले, माने पिछले कोई भी इवेंट या सिचुएशन को लेके, वो सारा उस बैग में भरिए. दूसरी बैग में हम भर रहे हैं अपने सारे रिग्रेट्स, सारे पेन्स, जो भी हमको पास्ट से मिले थे वो सारी चीजें उसमें डालिए. किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ तो आपने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया और आपको लग रहा है कि नहीं ये बुरा हुआ था, वो सारे रिग्रेट्स भर भर के उस बैग में डाल दीजिए. कुछ भी अंदर मत रखिए, सब उसमें भरिए, भरते जाइए भरते जाइए. बैग में, दोनों बैग में काफी जगह है. जो भी याद आ रहा है, एक में चिंताएं और दूसरे में हमारा पछतावा, जो भी हमारे रिग्रेट्स हैं किसी चीज को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है, किसी इवेंट को लेके, सब कुछ उसमें, दोनों बैगों में भर दीजिए. अब ये दोनों बैगे जो हमने भरी हैं बहुत वजनदार बन रही हैं, और दोनों जो बैग हैं उसको हमने अच्छे से लॉक कर दिया है. और अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों बैग को, क्योंकि हमसे उठाई नहीं जा रही है क्योंकि बहुत भारी हो गई है, तो हम इसको लेके जा रहे हैं बारी बारी. सो मैंने एक बैग उठाया और मैं सड़क के किनारे खड़े खड़ी हूँ, तो अब मैं ये बैग लेके सड़क सड़क के दूसरे किनारे जा रही हूँ. और मैंने वो बैग एक कचरे के ढेर में डाल दी, उसको वहां छोड़ दिया. तो अब क्या हुआ, मेरा एक कंधा खाली हो गया, मेरा एक कंधे से वो वरी वाला बैग चला गया. सो मेरी सारी जो वरीज थी, वो वाला जो बैग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस था और उसको मैं संभाल नहीं पा रही थी, वो पूरा बैग लेके उठा के मैंने सड़क के किनारे जाके फेंक दिया है. तो अब
मेरे पास दूसरा बैग रह जाता है, पर ये इसका भी बहुत ज्यादा वजन है, मैं क्यों इस वजन को उठाऊं, इसमें सारी रिग्रेट्स भरी हुई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वो भी वजनदार बैग है, उसको भी मैंने उठाया और ये बैग उठा के मैंने दूसरे सड़क के किनारे फेंक दिया। तो अब क्या हुआ, मेरे दोनों बैग चले गए, मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मेरे पास कोई वजन ही नहीं है, मैं सुकून में आ गई। तो अब अपने आप को वो सुकून दीजिए, वो महसूस कीजिए कि आपने अपनी सारी चिंताओं वाला बैग वो कचरे के ढेर में डाल दिया है और सारी आपकी रिग्रेट्स, पास्ट इवेंट्स की, सिचुएशंस की, उसको भी कचरे के ढेर में डाल दिया है। कोई भी वजन आपके कंधों पे नहीं है, कोई भी वजन आपके सिर पे नहीं है, आपका मन खाली हो गया है, आप बहुत ही हल्के हो गए हैं और काफी सुकूनदायक सुकून महसूस कर रहे हैं। अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि मेरे सारी जो भी मुझे हैवीनेस फील कराने वाली चिंताएं और रिग्रेट्स थी, वो सब मैंने डाल दी हैं, उन सब को मैंने एक कचरे के ढेर में डाल दिया है और मैं मुक्त हूँ, फ्री हूँ, बहुत खुश हूँ, पीसफुल हूँ, हल्का फील कर रही हूँ। मेरे पास अब कोई किस्म का कोई वजन, कोई तनाव, कुछ भी रहा नहीं है, सिर्फ मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ। वंस यू हैव फिनिश्ड दिस, यू आर कमिंग बैक टू योर होम, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। एंड नाउ यू कैन शेयर हाउ वॉज दिस फीलिंग ऑफ नो ड्रॉपिंग द बैग्स ऑफ वरीज एंड रिग्रेट्स, हाउ वॉज इट? कैसा लग रहा है जब आपने ये किया है तो? या फीलिंग पीसफुल? इसमें भी हो सकता है किसी किसी को रोना आ गया हो, आंखों से पानी बह रहा हो, राइट? या सचमुच किसी को ऐसा लगा हो जैसे मन से एक बोझ सा हट गया है। तो दैट दिस इज गुड, इफ यू हैव ऑनेस्टली डन दिस प्रैक्टिस, यू विल फील लाइट, रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, काम, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव टू जनरेट। सो जब भी आपको कोई बहुत चिंता आपको परेशान कर रही है या आप बहुत फ्यूचर का अनसर्टेनिटी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ये करेंगे, यू विल रियली फील वेरी लाइट, राइट? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कचरे के ढेर में नहीं डालना है, तो यू कैन गिव इट टू गॉड, यू कैन डू इट लाइक दैट। अगर आपकी आस्था बहुत स्ट्रांग बन रही है, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं, मैं भगवान से जुड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो देन वॉट यू डू इज दैट यू नीड टू गिव दिस थिंग्स टू गॉड। सो लेट योर गॉड डिसाइड योर फ्यूचर, गिव योर पास्ट रिग्रेट्स, वरीज, गिल्ट, एवरीथिंग टू द गॉड, राइट? एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन। यस, समबडी इज सेइंग दैट द वरीज वर एम्प्टी बिकॉज रेड बलून ले गया, तो अच्छा है ना? तो अच्छा है, अगर आपकी मैंने कोई एक्टिविटी में आपका मन वैसे बिहेव किया है, तो दैट्स रियली गुड। नाउ बिकॉज मुझे टेक्निक सिखानी थी, तो मैंने आपको अलग अलग टाइम पे ये की। यू कैन डू डिफरेंट टेक्निक्स इन डिफरेंट टाइम। आइडियली क्या करना है, जब आप रेड बलून टेक्निक कर रहे हैं, तो पूरा एक हफ्ता रेड बलून टेक्निक ही कीजिए, ओके? फिर दूसरे हफ्ते आप यू कैन मूव ऑन टू दिस नो बैग एंड दिस ड्रॉपिंग बैग्स वाला। फिर तीसरे हफ्ते आप वो पहले वाला जो एक्टिविटी हमने किया है, बटरफ्लाई वाला, वो कर सकते हैं। सो पूरा एक हफ्ता आप एक एक्टिविटी कीजिए, दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। अगर आप तीनों तीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट इज अप टू हाउ योर माइंड इज गिविंग यू द रिजल्ट्स। या फिर कोई एक आप कीजिए जिसमें आपका कंफर्ट जोन आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्निक मैं मुझे सूट कर गई है और मुझे इससे ज्यादा नो अच्छा लग रहा है, तो आप उससे जुड़ जाइए। द ओनली आइडिया टू डू दिस थिंग्स इज टू ब्रिंग यू टू द प्रेजेंट, नॉट टू लिव इन पास्ट, नॉट टू लिव इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट। इफ यू बिकम मोर माइंडफुल एंड यू आर गिविंग योर ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स अवे, तो आपका क्लिंजिंग हो रहा है। जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड से कचरा निकलेगा, आप जगह बना रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव चीजें जाएं। जब जगह बनेंगी, तो ही तो जब आप वो सारी एक्टिविटीज करेंगे, सेल्फ कंपैशन की, मिरर एक्टिविटी, सेल्फ टॉक की, ऑटो सजेशन की, तो वो अंदर जा पाएगी ना। वरना तो ऊपर ऊपर से लेप लगेंगे, कुछ अंदर नहीं जाएगा।
तो हमें इसको बेहतर बनाना है, इसलिए हमें इस किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव साइकोलॉजी फ्रॉम माई साइड. आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड द थिंग्स मस्ट हैव बीन वेरी यूजफुल टू यू. शेयर इट विद अदर्स इफ यू फील दिस इज रियली नो द प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द क्लासरूम नो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन इवन शेयर वॉट आर योर अदर आइडियाज एंड टॉपिक्स यू वॉन्ट टू डिस्कस इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. सो आई लुक फॉरवर्ड टू प्रेजेंट एज मच बेटर एज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, राइट? जिन जिन को भी इससे फायदा हो रहा है, प्लीज अपना नो एक्सपीरियंस भी शेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि आपको ये चीजों से कितना लाभ हो रहा है और ऐसी चीजें करने से लोगों में कितना नो बदलाव आ रहा है. सो विशिंग यू ऑल द पॉजिटिव लाइफ ऑल अहेड. इट्स एग्जैक्टली 1 o'clock एंड आई कैन जस्ट टेक 2 3 questions इफ एनीबडी इज हैविंग. सो ओनली 2 minutes आई विल वेट इफ समबडी इज हैविंग सम questions एंड देन वी कैन स्टॉप द वर्कशॉप फॉर टूडे. सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज शेयर इट इन द चैट बॉक्स. Yes, I am extremely thankful to everybody who has liked today's no talk and the presentation. Please use these techniques to set yourself free. Okay, so it doesn't seem any queries for anybody. If somebody feels that they do not want to discuss no their questions or queries in the chat box, you are free to ask the queries through the classroom or through the email IDs. My email ID is already given to you in the first workshop slides that has been shared with you. जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप हुआ था उसका जो रीडिंग मटेरियल शेयर किया है उसमें मेरा ईमेल आईडी है. यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड नो गेट द आंसर्स कमिंग फ्रॉम देयर. सो अ वेरी वेरी हैप्पी ऑगस्ट टू एवरीबडी. मे यू हैव अ ब्लेस्ड पीसफुल एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड एंड वी कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स एज बटरफ्लाइज फ्रॉम दिस पैंडेमिक. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस एवरीबडी.